मित्रों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं परम पावन जी के चौरासवें जन्मदिन समारोह को मनाने के लिए उसी उपलक्ष्य में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान ने एक देवसी संगोष्ठी की आयोज संगोष्ठी का आयोजन किया है ज, जिसका विषय है होलिस्टिक एजुकेशन हिंदी में सर्वांगीण शिक्षा और हम कुलपति महोदय की आज्ञा से संगोष्ठी को प्रारंभ करने जा रहे हैं मैं सर्वप्रथम जैसे कि प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम लोग दीप प्रज्वलित करने की हमारी परंपरा रही है संस्कृति है तो मैं मंचस्थ हमारे कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी से पधारे हुए हमारे कुलपति महोदय शुक्ला जी से निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ करें हाँ। दीप प्रज्वलन के बाद में परम्पावंत दलाई लामा जी के मंच पर खता भेंट करने के लिए मैं दोनों कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ इसके बाद मैं भंते सुमेत थेरो जी आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि खदा भेंट करके जन्मदिन की बधाई दें और हमारे मैदानकर थेरो जी इसके अतिरिक्त और हमारे काशी विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, से आए प्रोफेसर विमरेंद्र कुमार जी से भी निवेदन करता हूँ कि वह भी खा भेंट करें और बज्र विद्या संस्थान से हमारे खेम्बो जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में और साक्या मोलम छौपा की ओर से सोलम एसोसिएशन की ओर से मैं कृषि कर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी और सम्राट अशोक महाबिहार के आ, मुख्य आ, पुजारी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ और हमारे संस्थान के कुल सचिव जी डॉक्टर उपाध्याय जी से भी मैं निवेदन करता हूँ और मंजू सुंदरम जी हमारे बीच में हैं मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि खाता बैठ करके आ, प्रोफेसर शुक्ला प्रसाद जी आपसे भी निवेदन है तिब्बती मंदिर सारनाथ के प्रतिनिधि भिक्षु केला यहाँ फिर नारो से फेबे गुम्बा के मुनेम मोलम चो, मोलम छोपा या फिर नो जदा 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 फेगा फिर नी रावे कोरवे शिंखम सु देवा मालु जुमे ने चेरे सिवा तेंजी जासोई शाबे सीते फरतू तें चारों ओर से हिम पर्वतों से घिरे तिब्बत में समस्त हितों एवं सुखों के आकर अवलोकितेश्वर के निर्माण का तीन दिन जातों के चरण कमल यावत संसार चिरस्थायी हों इसी मंगल कामना के साथ आज जन्मदिन के इस शुभ अक्षर पर जो संगोष्ठी आयोजित की गई है उसके शुभारंभ में मंगलाचरण के लिए संस्कृत में मंगलाचरण के लिए मैं छात्रों को आहूत करता हूँ ूतं बुद्धेकमार्गं कुशलाबलमयं सर्वकारुण्यवर्षं कामाग्निं नाशयन्तं दशालामातुलं ध्यानमुद्रा प्रकी आर्याष्टाङ्गैर्विवातम् त्रिशरानसुखदं लोककल्याणदन्तम् छिन्दं पापमूलम् बावा दुरिताशमम् त्वं नमामि बुद्धिसत्वं नमामि कृष्ण रागान्तनाशम् विषया विषहरम् मोह दहन्तम् युताग्निं शास्त्रभीतिं निजशुभवचने दूरदूरे

इसके बाद परम आदरणीय हमारे आ, संस्थान के कुलसच कुलपति महोदय प्रोफेसर गेशंगाओं सम जिसे निवेदन करता हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी को खाता एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें आर्यावलोकितेश्वर के निर्माण काय विश्व शांति के अग्रदूत मैत्री एवं करुणा के मूर्ति तिब्बत के आध्यात्मिक एवं लौकिक मार्गदर्शक नायक नोबेल शांति पुरस्कार से विभूषित सैकड़ों उपाधियों से विभूषित परम पावन चौदवें दलाई लामा के चौरासीवें जन्मदिन समारोह के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान ने उनके विचारों एवं सिद्धांतों पर आधारित इस होलिस्टिक एजुकेशन सर्वांगीण शिक्षा नामक विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें हमारे विनम्र निवेदन पर तीन तीन कुलपति हमारे काशी विद्यापीठ के और संस्कृत यूनिवर्सिटी के अभी दो कुलपति हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए हैं जल्दी ही वो पधारेंगे आप लोग मंच पर विराजमान होकर इस समारोह को शौभायमन कर रहे हैं और अन्य विद्वानगण हमारे मित्रगण भी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं हमारे अन्य बिहारों से हमारे निवेदन पर बहुत ही अल्प समय के निवेदन पर हमारी प्रार्थना पर आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं मैं हमारे इस अवसर पर मैं हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर वांशु दौर से सागरा निवेदन करता हूँ कि वह यहाँ आए और समागत सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के विषय की भूमिका प्रस्तुत करें कंघरे रावेजिंकन देवा मन चंद्र जीवन जपस्वी जीवन दिन परम पावन दलाई लामा जी की, दीर्घ आयु की कामना के साथ उनका मंगलाचरण करते हुए मैं संघ तथा मंचासीन हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी तथा हमारे संस्थान के प्रमुख वाइस चांसलर प्रोफेसर एन समिन जी और काशी सांस्कृतिक नगरी काशी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से तथा एनजीओ से और अन्य विभिन्न संगठनों से आए अतिथिगण तथा संस्थान परिवार के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आचार्य प्राचार्यगण तथा प्रशासनिक अधिकारी और उनके अधीन सभी कर्मचारीगण तथा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रा सर्वप्रथम तो मैं अपने संस्थान के वाइस चांसलर जी को धन्यवाद देने चाहता हूँ क्योंकि आपने जो है हिसोलिनस तलाय लामा जी के चौरसुए जो जन्म दिन हैं उसको जो एक केक काट करके या फिर दीप जला करके कुछ कर्म कांड के मार्फत एक औपचारिकता की अपेक्षा आपने जो है हॉलिस्टिक एजुकेशन पर एक सेम्बुइज़म के रूप में आयोजित करने का जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से वो जो है प्रशंसनीय है अनुमोदनीय हैं है, और साधुवाद के पात्र हैं ऐसा मेरा मानना है क्योंकि समाज और जो शिक्षा का जो संबंध होता है वो एक प्रकार से कार्य कार्य संबंध होता है संबंध होता है समाज या राष्ट्र का स्वरूप शिक्षा निर्धारित करती है उस समाज और उस राष्ट्र का जो शिक्षा की नीति होती है शिक्षा की व्यवस्था होती है उसी के आधार पर जो है देश और राष्ट्र का निर्माण होता है इसलिए निश्चित रूप से हमारे प्राचीन वाण्मियों में शिक्षा को एक प्रकार से कल्प वृक्ष के रूप में माना जाता है और फिर शिक्षा को त्रिनेत्र तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है वास्तव में है शिक्षा तीसरी आंख है आप शिक्षा के माध्यम से ही आप अतीत के बोध शब्दों से ऋषि मुनियों से डायलॉग कर सकते हैं उनके विचार को आप जो है समझ सकते हैं जान सकते हैं ये शिक्षा है उसी प्रकार वर्तमान की जो समस्याएं होती है वो शिक्षा ही तो समाधान करता है और भविष्य क्या होगा भविष्य का अनुमान भी शिक्षा यही तय करती है निश्चित रूप से शिक्षा जो एक प्रकार से समाज के लिए बहुत जो राष्ट्र और समाज जिन महिला और पुरुष से निर्माण होती है वो शिक्षित व्यक्तियों से ही तो होती है जिसके परिवार में जिस समाज में जिस राष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं वो राष्ट्र वो समाज वो परिवार जो है खुशहाली होती है जब हम शिक्षा की बात करते हैं सामान्य हम जब देखते हैं शिक्षा की जो है मूल जो है दो विचारधाराएं हैं एक आइडियलिज्म है जो आदर्शवाद है हम देख सकते हैं हमारे प्राचीन भारतीय अगर शिक्षा नीति हो या प्राच्य या पाश्चात्य दोनों में मैं देखता हूं कि आदर्श आ, शिक्षा का आइडियलिज्म का जो है बोलबाला था प्राचीन हमारी शिक्षा में जिसमें जो है हम आ, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पुण्य पाप के बारे में ज़्यादा हम जो है विचार चिंतन मंथन करते थे हमारी शिक्षा नीति जो वो थी उसी प्रकार सिर्फ भारतीय या प्राच्य शिक्षा नीति नहीं तो हम अगर पाश्चात्य शिक्षा नीति को भी देखेंगे सौकराट कहता है कि विरचुअ नॉलेज कहता है सद्गुण ही क्या है ज्ञान है कहता है वहीं अरस्टोटल कहता है कि एजुकेशन रेसिस द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल इंस्टिंक्ट इसका अभिप्राय भी, भी यही है कि शिक्षा जो है हमको जो है मानवीय गुणों का उजागर कर करती है या हम कह सकते हैं शिक्षा जो है सत्यम शिवम और सुंदरम के साक्षात्कार के लिए जो सहयोग करता है वो शिक्षा जो है हमारे प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति रही जब हम आधुनिक काल में हम देखते हैं शिक्षा जो यथार्थवादी शिक्षा जिसमें जो है वो मात्र जो है प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही वो जो है सत्य मानती है इसके कर इसके चलते उनके लिए जो भौतिक वस्तु की वास्तविकता है वही उनके लिए सत्य है यथार्थवादियों का वही यथार्थवादी थोड़ा भिन्न साधनों की चलते जो है जैसे कि प्रागमेटिज्म या नेचुरलिज्म के रूप में भी हम जान सकते हैं लेकिन उन सब का आधार जो है क्या है आधुनिक शिक्षा का आधार जो है व्यक्ति को आधुनिक शिक्षा ने महत्तर एक जो है भौतिक पुंज के रूप में माना है भौतिक एक मशीन के रूप में माना है तो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जो किसी मानवीय मूल्य का कोई स्थान नहीं है आधुनिक शिक्षा जैसे डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी कहें या सर्वाइवल ऑफ दस्ट शक्तिशाली ही जीवित रहेगा ये मान्यता है आधुनिक शिक्षा का इसलिए आधुनिक शिक्षा की चलते है। आप देखते हैं आधुनिक शिक्षा के अनुसार वो व्यक्ति कुलीन है वो व्यक्ति सभ्य है जो शाही ठाठाट से जीता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है वही जो है क्या है एक प्रकार से कुलीन है या सभ्य रूप में माना जाता है इसके चलते है, उनके वहाँ पर सफलता साध्य है सफल होने चाहते हैं उनके लिए साधन कोई ये इनके इन प्रकार हैं कुछ भी चल सकता है साधन साधन में आधुनिक शिक्षा का जो मेरा अपना एनालिसिस में जो मैं देख रहा हूँ आधुनिक शिक्षा में जो है सिर्फ सफल होना है वो साधन क्या है क्या नहीं क्या उचित क्या अनुचित नहीं देखते हैं इसके चलते जो है आज आप देखते हैं समाज में हुँ? इसी के चलते आधुनिक शिक्षा के चलते ही हमने जो है तो दो दो विश्व महायुद्ध को देखा है और एक बार जब द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ था तो उस पर जो आइंस्टाइन से जो है किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा था कि यदि भविष्य में तृतीय विश्व महायुद्ध होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा तो उस समय आइंस्टाइन ने कहा था तृतीय अगर विश्व महायुद्ध अगर होगी तो मैं नहीं कह सकता कि उस समय इस संसार का स्वरूप क्या होगा लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकूँगा कि यदि कोई चतुर्थ महायुद्ध होगा तो डंडे और पत्थर से होगा हमको जो आधीन ओल्ड एज में जाना होगा स्टोन एज में जाना होगा ये स्थिति जो है एक प्रकार से आ, हमारी आधुनिक शिक्षा की देन मैं ऐसा मानता हूँ इसलिए तो मैं जब देखता हूँ तो आइडियलिज्म आई, और यथार्थवाद को जब मैं देखता हूँ तो दोनों कुछ अंश तक एगांगी है मैं पूर्ण रूप से ये आइडियलिज्म को भी मैं पूर्ण रूप से मैं समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि आज भी इक्कीसवीं सदी में भी जब मैं ट्रेन में बनारस से दिल्ली में जाता हूँ तो देखता हूँ आज भी लोगों के पास जो टॉयलेट नहीं है वो जो है ये जो है टीन और बोतल लेकर के जो है रास्ते के इर्द गिर्द निवृत्त होने के लिए निकल इक्कीसवीं सदी में भी ऐसा क्यों है आप देहातों में जाएंगे गाँव में जाएंगे आज भी लोग जो है जंगलों में घास काट के लकड़ी तोड़ करके जो है सिर पर ढोते हुए उसको बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं शायद आइडियलिज्म में भी कमी रहा हम लोगों ने वर्तमान पर विचार नहीं किया यद्यपि चार पुरुषार्थ की बातें कही गई हैं अर्थ काम धर्म और मोक्ष की बातें कही गई है लेकिन जो है मैं समझता हूँ प्राय हम लोग जो है ब्रह्म सत्य है बाकी सब जो है अनित्य है इल्यूशन है करके उसी में जिए रहे इसलिए उसका परिणाम जो है आज हम इक्कीस सदी इक्कीसवीं सदी में भी हम मैं देख रहा हूँ ऐसा भोग है इसलिए मैं समझता हूँ जैसे कि तथागत बुद्ध ने जब व्यक्ति की बात कही तो व्यक्ति मा मात्र मेटेरियल नहीं है मात्र फिजिकल स्टप्स नहीं है मात्र बायोलॉजिकल स्टप्स नहीं है जब हम व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति जो है क्या है मैटर और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन है अगर बौद्धों की दृष्टि में कहें तो व्यक्ति जो है पंच सकंदात्मक है पंच सकंद है उसमें क्या है एक रूप है वेदना है संज्ञा है संस्कार है और विज्ञान है जिसमें से चार जो है विज्ञान से संबंधित है और एक जो है रूप है रूप और विज्ञान का समन्वय ही व्यक्ति है जब हम व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति के सुख और दुख की बात करते हैं तो शारीरिक सुख और शारीरिक दुख दो चीज़ें हैं उसी प्रकार मानसिक सुख और मानसिक दुख दो प्रकार के सुख भी दो प्रकार के हैं दुख भी दो प्रकार के हैं जब जब व्यक्ति के लिए सुख और दुख दो प्रकार की है तो हमको जो है दोनों का विकास होना चाहिए यदि हम जेन्यून हम शांति की कामना करते हैं तो जो शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है जैसे रोटी कपड़ा मकान के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है रोटी कपड़ा मकान के बिना व्यक्ति जो है शांत और में जीवन नहीं जी सकता ठीक उसी प्रकार क्या रोटी कपड़ा मकान होने से अनफ है यदि रोटी कपड़ा और मकान होने से अनफ होता तो सबसे ज़्यादा जो है मर्डर जो है अमेरिका जैसे देशों में नहीं होती रोटी कपड़ा मकान का अभाव तो नहीं है लेकिन उसके साथ साथ क्या है चित्त भी है मन भी है जिसके लिए जो है तथागत ने शील समाधि और ट्रक्या की बात कही उसके बिना व्यक्ति जो है जेन्यून शांति की कामना नहीं कर सकता इसलिए मेरा तो मानना है शिक्षा वो है सा विद्या या विमुक्त कहा गया है वो विद्या है जो हमें विमुक्ति देती है विमुक्ति क्या देती है अभाव से विमुक्ति देती है रोटी कपड़ा मकान से हमें विमुक्ति देती है रोटी कपड़ा मकान के अभाव से हमें जो है मुक्ति देती है वो शिक्षा है और वो जो है हमारे अज्ञानता राग द्वेष मोह के चलते जो हम परेशान हैं डिप्रेस में टेंशन में हैं उससे उभरने के लिए उस अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए जो शील समाधि प्रख्या की बातें कही है वो उसको मैं शिक्षा मानता शिक्षा का मेरा मानना जो है ही शरीर के साथ साथ जो है मानसिक जैसे कि हमारे पवन पवन दलाई लामा जी बार बार यही कहते हैं कि शारीरिक हाइजीनिक के साथ साथ मानसिक हाइजनिक की आवश्यकता है भावनाओं तो की है ना इसलिए मानवीय मूल्यों की सख्त आवश्यकता है ऐसा मेरा मानना है इसीलिए आज परम पवन दलाई लामा जी को जैसे कि उनको जो है 10 दिसंबर 1989 में नोबेल शांति पीस प्राइस उनको मिला था जब उन्होंने नोबेल शांति पीस प्राइस को स्वीकारा था उसमें उन्होंने कहा था यद्यपि मैं एक सामान्य भिक्षु हूँ सामान्य एक मंक हूँ उससे आगे कुछ मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से मैंने जो है तथागत बुद्ध और भारत के ऋषि मुनियों तथा तिब्बत के सिद्धाचार्यों के द्वारा करुणा मैत्री बोधिचित की जो बातें मानवीय मूलों की बातें कही उसको मैं हर पल हर क्षण अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ उतारने का चेष्टा करता हूँ इसीलिए ये जो नोबल पीस प्राइस मुझे दिया जा रहा है एक प्रकार से यह उन मानवीय मूल्यों का जो है एक प्रकार से क्या है समर्थन है उसके रूप में मैं जो हूँ ये नोवेल शांति पीस प्राइज़ को जो है मैं ले रहा हूँ करके उन्होंने जो सभगृति पर जो नोबल पीस प्राइज दिया था तो उसकी सभगृति पर उन्होंने किया था आज भी आज एक प्रकार से परम पावन जी जो है शांति के अग्रदूत हैं शांति के एम्बेसडर हैं जैसे कि आप जानते हैं जर्मनी ने जो है ग्लोबल स्पीकर के अवार्ड के रूप में उनको दिया गया था और यूनाइटेड स्टेट ने तो प्रेसिडेंट अवार्ड के रूप में लगभग डेढ़ सौ से ऊपर ऊपर उनको जो है अवार्ड से नियोजित वो पुरस्कृत किया गया है परम दलाई लामा जी जो है लगभग 120 से भी ज़्यादा ऑथर और को ऑथर के रूप में जो है इन्हीं मानवीय मूलों को उजागर करने के लिए जो है आप भ्रमण कर रहे हैं ऐसे स्थिति में आज जो है ए, हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो है हॉलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर सम्पोइम के रूप में जो आ, उनका दिवस को मनाने का जो आ, विचार रखा है निश्चित रूप से पुनः मैं उसको जो है अनुमोदन करते हुए ए, मैं समझता हूँ आज का दिवस का जो आयोजन है ये सार्थक सिद्ध होगा इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं क्योंकि मुझे वेलकम करने के लिए कहा गया है तो मैं आप सबका तहे दिल से संस्थान परिवार के और से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ और वेलकम करता हूँ धन्यवाद मित्रों अभी आपने संगोष्ठी की भूमिका प्रस्तुत करते हुए हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर वांशु दो जनेग जी को सुना और जिस प्रकार से उन्होंने परम पावन जी के द्वारा जो एक मानव मूल्यों की को प्रोत्साहन देने की बात है उसकी बात कही जैसे आपने कहा कि शिक्षा में जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो एकांगी है संपूर्ण नहीं है एक सर्वांगीण शिक्षा मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है निर्वाण की ओर ले जाता है क्लेशों उपक्लेशों राग मोह द्वेष से दूर ले जाता है तो यहीं पर परम पावन जी की मैं एक बात आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी तीन प्रतिबद्ध प्रतिबद्धाएँ हैं पहले ही प्रतिबद्धता है कि मैत्रीपूर्ण मानव मूल्यों को प्रोत्साहन देना जिसमें जिसे मैं व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर सुखी जीवन का मूल मंत्र मानता हूँ ये उनका उनकी प्रथम प्रतिबद्धता है और परम सुख की बात जब करते हैं तो उसके लिए हमें अविद्या को जानना पड़ेगा अविद्या से हम जान करके उस आ को हटाना पड़ेगा और हमको विद्या को जानना पड़ेगा जब हम विद्या की बात करते हैं तो एक फिर मानवीय मूल्यों पर आधारित उस विद्या की बात करेंगे जिस पर हमारे प्रोफेसर साहब ने प्रकाश डाला मैं समझता हूँ कि ये उनकी प्रथम प्रतिबद्धता है जो मानवीय मूल्यों पर जिस मानवीय मूल्यों पर अगर हम आधारित होकर के विद्या का अध्ययन करते हैं विद्या सीखते हैं तो शायद हम सर्वांगीण शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं अब मैं आगे क्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच में विद्वान वक्तव्य लोग हैं और हमारे मुख्य अतिथि अभी भी पधारे नहीं पधारे हुए हैं दो मुख्य अतिथि मैं अनुमति चाहता हूँ सभा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हैं सुमित थेरो जी सुमित थेरोजी जो हमारे बड़े ही आदरणीय हैं और हमारे हर प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता रहता है आप जम्बूद्वीप के विहाराधीश हैं मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करें නමෝතස් භගෝතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස් දුල්ලබෝ පුරුසාජඥ දුල්ලබෝ පුරිසුත්තම දුල්ලබා කන සම්පත්තිී සද්ධම්මෝ පරම දුල්ලබෝ to takeක් birth human it is very rare to take birth as a noble person it is also very rare to be tolerance also rare and to, to receive saddhamma teaching education it is very very rare uh, टिबेटियन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आदरणीय पूज्य प्रोफेसर नवान सामतेन जी संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी उपस्थित बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पाली पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी और तिब्बती संस्था में रजिस्ट्रार आर के उपाध्याय जी थियोसॉफिकल सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सुंदरम जी और अन्य उपस्थित विद्वदगान अतिथिगण और सारनाथ में विभिन्न मंदिर से पधारे हुए परम पूज्य भिक्षुगण तिब्बती संस्था में अध्यापकगण और छात्रों ආज පරම්පාවන් දයිලාමාජීකා චෞරාසි ජන්මදිවස් අවසරප උන්කෝදිීගායු සම්පත්ති ප්‍රාර්ථනා කරන केළ බධායි केළ ආයෝජිත්තිසි කරීක්්‍රම්ේ සාරණාත්මය භගුවන් බුද්ධකා පැහැලා උපදේශ ස්තලමේ විබින්න බෞද්ධ මන්දිර් බෞද්ධ සංගටන बौद्ध संस्था और सारनाथवासी बौद्ध लोक तरफ से सबसे पहले हिसोलीनाथ दलाई लामा जी का सुखी दी गई संपत्ति के लिए और उनका धार्मिक सामाजिक कर्तव्य आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और निरोगी संपत्ति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ साथ साथ ද්‍රී තිබවති සස්ථාමය වශ්්‍යන්සල ආද්‍රණීය ප්‍රපශපුජ්ජ නවන් සම්තෙන්ජී අවු අධ්‍යාපක් ගන අ විශ්වමි පුරාටිබෙක්් සමුදාය ආජ සබි ලෝක බෞත් සද්ධහසේ හිස් හොලිනස් දලයි ලාමාජික ජන්මදිවන් මනරහියි टिबेट में और डिबेट से बाहर धर्मशाला में इंडिया में और अमेरिका में विश्व में हर जगह में कोने कोने आज एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है मंगल का दिन है उनका जन्म इसी देश के लिए और इसी समाज के लिए इसी संसार के लिए और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में शांति दूत शांति का दूत और धर्मदूत और संदेशक रूप में उन्हें आया शांति और प्यार और स्नेह करुणा मैत्री का संदेश दे दिया और इसलिए आज ये तिब्बती संस्था में और तिब्बती समाज में और वज्रयान बौद्ध परंपरा में सभी लोग को भी और सारनाथ में विभिन्न मंदिर और बा तरफ से बधाई देता हूं शुभकामना देता हूं और आज इतना महत्वपूर्ण है कि सोलिनस का जन्मदिवस चौरासी एटी फोर ये बुडिसम में इतना महत्वपूर्ण अंक है तो जब भगवान बुद्ध का परनिर्वाण हुआ उसी वक्त में सारा विक्षलोक इकट्ठा होकर आगे हम लोग क्या करेगा सबसे पहला काम था बुद्ध का संदेश धर्म एकट्ठा करके प्रसव करना पैतालीस साल अंदर भगवान बुद्ध ने कितना प्रवचन दे दिया सारा इकट्ठा कर लिया त्रिपिटक बनाया उसमें चौरासी हजार धर्म का खंड था भगवान बुद्ध का परनिर्वाण में बात ढाई सौ साल में बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले धर्म यात्रा गया अपना गुरु मोगली पुत्र महाराथ के साथ और बुद्ध गया सारनाथ श्रावस्ती कुशनगर लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित सभी स्थल में पूजा करते प्रदक्षिणा करते और धर्म यात्रा में बात उन्हें गुरुजी से पूछा भगवान बुद्ध का संदेश अभी बुद्ध नहीं है उनका धर्म का खंड कितना है महाराज चौरासी हजार तब उनका नाम से भगवान बुद्ध का नाम से धर्म का नाम से हम चौरासी हजार मंदिर स्तूप इसी देश में स्थापित करेगा जम्बुद्दीप में तो उस हिसाब से पिछले पैंसठ साल सक्रिय जीवन में ही सोन दलई लामा जी हमको लगता है उनका प्रवचन इकट्ठा करेगा उनका भ्रमण इकट्ठा करेगा कितना आदमी व्यक्ति का मुलाकात हुआ संदेश दे दिया पूजा पाठ कर लिया ये सब कुछ इकट्ठा करेगा तो हमको लगता है ये चौरासी हजार से ज्यादा अंग पूजा उनका बग, हिस्स दलाई लामा जी का हाथ से कितना मंदिर का उद्घाटन हुआ इसलिए हमको लगता है चौरासी हजार जगह से ज़्यादा हिस होलिनेस का अभी तस्वीर रखा है तो इसलिए और हिस होलिनस का वो धर्म का प्रचार का शांति का संदेश का काम आगे बढ़ाने के लिए और एक बार हम उनको आ, हम लोग का तरफ से और प्रार्थना करते आज का दिन में हम लोग का टॉपिक है होलिस्टिक एजुकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है समग्र शिक्षा 1979 में अमेरिका में कैलिफोर्निया में सन डियागो यूनिवर्सिटी में यूरोप में सबसे पहला कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ए होलिस्टिक एजुकेशन बारे में और मंडल सोसाइटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दोनों मिलाकर चर्चा कर लिया अब यूरोप में यूनिवर्सिटी में शिक्षा संस्था में शिक्षा दे रहा है एक खाली मेटेरियलिस्टिक और डिग्री होल्डर्स बना रहा है डिग्री होल्डर्स आ रहा है मेटरिस्टिक के प्रोफेशनल और एकेडमिक और समाज में आ रहा है ये लोग का सोसाइटी के साथ लेना नहीं है समाज के साथ नहीं है परिवार के साथ नहीं है और कल्चर के साथ नहीं है तो इसलिए हम लोग एक कल्चर एडुकेशन के साथ ए स्टूडेंट्स का कल्चर बिहेवियर और रिलीजियस माइंड एंड ह्यूमन वैल्यू कैसे बनाएगा इम्प्रूव करेगा वो बार में चर्चा कर लिया साथ साथ सबसे पहला होलिस्टिक एजुकेशन मैगजीन भी शुरुआत कर लिया और इंडिया में अभी ओ ट्वेंटी फर्स्ट अभी यूरोप में ग्यारह बारह शताब्दी में यूरोप में सबसे पहला यूनिवर्सिटी सोबन यूनिवर्सिटी बनाया वो पहले तापसाराम में था चर्च में था और चर्च से हटकर वो यूनिवर्सिटी बनाया सोबन यूनिवर्सिटी और उसके बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी आया वो पहला उद्देश्य था अपर समाज को चैलेंज करने के लिए एकेडमिक फील्ड तैयार करना और इसमें सोशल वैल्यू नहीं था ह्यूमन वैल्यू नहीं था रिलीजियस माइंड नहीं था तो इसलिए माइंड बॉडी स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ मिलाकर समाज में परिपूर्ण एक व्यक्ति कैसे बनाएगा उसके लिए इंटरग्रिटेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग ए मेन था ए होलिस्टिक एजुकेशन में तो इंडिया में हम लोग को पता है पाँच सिक्स सेंचुरी में नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था और टिबेट में आ, शिक्षा लेकर गया ओदंतपुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से आशित दीपंकर ए लोक ने इंडिया से टिबेट में लेकर गया ए हॉलिस्टिक एजुकेशन इसमें सारा सब कुछ था और विक्रमादित्य राजा का टाइम में हम लोग ने सुना और नवरत्न कालिदास वान भट्ट ए उनका राज्यसभा में नाइन ज्वेल्स नवरत्न हर एंगल का हर सब्जेक्ट का विद्वान लोक उसी सभा में था और इंडिया में सबसे पहले गुरुकुल एजुकेशन था वो केंद्रित था तो स्टूडेंट्स के लिए और बुद्धिसम में देखेगा तो बुद्धिज़म में भगवान बुद्ध इसी देश में इसी संसार में सबसे पहला ये होलिस्टिक एजुकेशन टीचर था वो उनको सत्ता बोल रहा है सत्ता टीचर मास्टर और सब अन्युत भगवान बुद्ध का एक आ, भगवान बुद्ध के लिए हम लोग आमंत्रित कर सब अन्युत ओ सब कुछ उनको मालूम है हर सब्जेक्ट बारे में विषय बारे में इसलिए सब तो बोल रहा है और सत्ता भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना स्वयं इंट्रोड्यूस कर लिया हमने ए हाथी देखभाल करने वाला कैसे हाथी कंट्रोल कर रहा है और घोड़ा कंट्रोल करने वाला कैसे घोड़ा कंट्रोल कर रहा है उसी हिसाब से हम भी पुरुष दम सारथी सत्ता देव मनुष्य पुरुष लोग ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है देव लोक में लोक दिव्य लोक में और लोक मनुष्य लोक में दोनों लोक में लोक का के लिए भगवान बुद्ध शास्त्रता टीचर था मास्टर था ट्रेनर था और लोग को शिक्षा दे दिया तो भगवान बुद्ध का शिक्षा तो उसी वक्त में एक सूत्र है सिगालोवाद सूत्र और सिगालोवाद सूत्र में भगवान बुद्ध एक दिन जाते वक्त एक व्यक्ति हर दिशा के लिए नमस्कार कर रहा है वो देखा पूछा क्या कर रहा है हमने मेरा कर्तव्य है हर दिशा को हम नमस्कार कर रहा है भगवान बुद्ध ने वो शिक्षा दे दिया समाज में जो भी कोई होगा उनको एक एक कर्तव्य है सुगालुवाद सूत्र में माता पिता दिशा पुब्बा आचार्य दक्षिणा दिशा पुत्रदारा दिशा पच्चा मित्ता मच्चा च उत्तरा दास करा खरा उदन समन ब्राह्मण ये समाज में अपना परिवार के साथ और गुरुजी लोग के साथ माँ बाप के साथ और धर्म के साथ और पर्यावरण के साथ कैसे बिहेव करना है वो शिक्षा भगवान बुद्ध ने अलग अलग दिशा माता पिता दिशा पुब्बा माताजी पिताजी दोनों पूर्व दिशा है आचार्य दक्षिणा दिशा और टीचर्स मास्टर्स दक्षिण दिशा है दिशा और और बच्चों लोग पत्नी परिवार पश्चिम दिशा है पुत्रदारा दिशा मित्ता मच्चा जो उत्तरा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सोसाइटी उत्तर दिशा है नॉर्थ और मित्त पुत्तदारा दिशा पच्चा मित्ता मच्चा चोचरा दास कम खरा हेट्टा अपना एम्प्लोइस सर्वेंट्स और नीचे है उद्दन समन ब्राह्मण समन ब्राह्मण रिलिजियन ऊपर में है सिर में है इस हिसाब से भगवान बुद्ध ने सिगालवाद सूत्र में और बुद्धिज्म में समाज के साथ कैसे होना है वो शिक्षा दे दिया उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग प्रोफेसर विमलेंद्र है अभी मालियन बुडिस्ट यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा से जानता है और टीचर्स uh, ड्यूटी uh, भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन कर लिया आपसे गालूवाद सूत्र में सो एफेक्शन टू हिस पीपिल ट्रेन हिम इन वर्च्यू एंड गुड मैनेस

Listen to his master, or rise up in the, his presence and wait upon him. Listen to him, all he says with respectfully attention. Perform the duties necessary for his personal comfort and carefully attend to his. इंस्ट्रक्शंस ये भगवान बुद्ध ने अपना स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर लिया तो इस हिसाब से भगवान बुद्ध एक पहला टीचर है ये होलिस्टिक एडुकेशन इसी देश में ट्वेंटी सिक्स सेंचुरी पहले प्रैक्टिस कर लिया स्कूल में भिजवाना पहले बैकग्राउंड तैयार करना है अभी मोन्सोरी uh, स्कूल है और अल्टरनेटिव स्कूल कॉलेज है ट्यूशन है उसी हिसाब से परीक्षा में भेजवा पहले पहली उसी हिसाब से भगवान बुद्ध भी वो सब ए, शिक्षा सबसे पहले नहीं दे दिया उ, बुक में हंगरी में कोई ता होगा तो उनका पास प्यास में कोई ता होगा तो भगवान बुद्ध ने तो प्रवचन नहीं दे दिया उनको पहले खाना दे दिया उसके बाद तो प्रवचन दे दिया तैयार कर लिया और उसके बाद और दुखी में कोई तना होगा तो हम लोग को पता है यो किसा गौतमी एक छोटा बच्चा लेकर आया और उनको बच्चा का डेथ बार में मालूम नहीं है तो उन्हें भिजवाया भगवान बुद्ध ने और उनको एक बीच ले आने के लिए ओ डेथ बार में उनको सबसे पहले नहीं बोला और उसी हिसाब से अंगुली माल देखी हम तो अभी रुका है तुम भी रुको कैसे ट्रेन कर लिया शिक्षा कैसे दे दिया और खेमा राजा का क्वीन ओने अनित्य बारे में भगवान बुद्ध बोल रहा है फिर भी अनित्य बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है ये ब्यूटी का लेडी है ब्यूटी क्वीन है तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वो आश्रम में म्यूजिक बजाने का म्यूजिक पहले डाल दिया और उसके बाद उनको प्रवचन बारे में उनको म्यूजिक सुनने के लिए सबसे पहले आए उसके बाद इन्हें प्रवचन दे दिया नित्य बार में धीरे धीरे उसी हिसाब से भगवान बुद्ध ए, आ, सबसे पहला एक होलिस्टिक टीचर है इसी देश में और भगवान बुद्ध माता पिता दिशा पुब्बा आचार्य दक्षिणा दिशा एक सोसाइटी बनाया एडुकेशन कैसे देना है इस साथ साथ ब्रह्माति माता पितरों पुब्बा उत्तरे भगवान बुद्ध ने ये विश्व कौन बनाया उसका महाब्रह्मा है मित्ता करुणा मुदिता उपेक्षा का चार क्वालिटीज है माता जी पिताजी दोनों अपना माँ बाप दोनों पूर्व गुरु पूर्व आचार्य रूप में दर्जा दे दिया माता जी पिताजी को बच्चों लोग स्कूल भेजवाना पहले सबसे पहले पहला टीचर घर में ट्रेनिंग करे गए लोग तो इस हिसाब से बुद्धिज्म में होलिस्टिक एजुकेशन शुरुआत हुआ मुनास्टी श्रीलंका में भी आ, इंडिया से श्रीलंका अरहंत महिंद बुद्ध का संदेश लेकर गया महाविहार स्टेब्लिश कर लिया उधर भी हर तरफ का धर्म के साथ हर तरफ का शिक्षा था नालंदा यूनिवर्सिटी में और विक्रमशिला में तक्षशिला में ये भी हर तरफ का एजुकेशन था और गुलकुल सिस्टम था ये इंडिया में पहले था एचीज अभी ही सोलिन लामा जी बोल रहा है इंडिया से हम लोग को क्या मिला शिक्षा ये चीज हम लोग को वापस देना है और है जी का मेन एक उद्देश्य है जीवन में अब इंडिया में पहले था जेम्स और नॉलेज रिकवरी करना है और अभी हम जस्ट ऑस्ट्रेलिया से आया और उधर हमको एक वाइस एक प्रोफेसर मिला उनका घर में लंच था उन्हें हमसे पूछा गुरुजी क्या वो तो बाहर से विदेश से स्टूडेंट्स आ रहा है वो लोग का एग्जाम पेपर वो मार्क कर रहा है वो हमसे पूछा तो गुरु जी क्या इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम है क्या और उसके बाद तो उन्हें बोला इंडिया से बहुत सा स्टूडेंट्स इधर आ रहा है डिग्री तो बहुत है और प्रैक्टिकल नॉलेज और, और प्रैक्टिकल नॉलेज वो नहीं है तो इसलिए पहले वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उसके बाद उधर उधर क्लास में बैठेगा वो लोग जाकर अलग अलग एरिया का अलग अलग खास का अलग अलग, अलग उधर भी बैठता है इसलिए समाज से ये चीज कैसे दूर करेगा अभी 2025 में 2025 में इंडिया में अमंग टोटल पॉपुलेशन 75 परसेंट एम्प्लॉयज है दर्ना मत मतलब आप लोग मतलब हम लोग तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में हम लोग भी रहेगा फिर भी हम लोग कुछ लोग तो रिटायर होगा फिर भी ए पीछे पीढ़ी में है ये लोग आगे आएगा और सेवेंटी फाइव परसेंट वर्किंग कम्युनिटी ज्यादा रास्ता में चाय पीने वाला और पलतू बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा इसी देश में और इसीलिए होलिस्टिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ समाज में आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए समाज तैयार करना जरूरी है और स्वामी विवेकानंद इसलिए लंदन में एक जगह में बोला और वो लोग ने पूछा कि आप तो कौन सा कपड़ा पहन रहा है और बोला ओ आप लोग आप क्या आपको एक जनरलमैन रूप में जा सकते ना अच्छा से कपड़ा पहनकर उन्होंने बोला आप लोग का कल्चर में जेंटलमैन टेलर बना रहा है और हम लोग का कल्चर में जेंटलमैन हम लोग का धर्म से बना रहा है इसलिए जेंटलमैन तैयार करने के लिए एडुकेशन के साथ एक कल्चर बिहेवियर ये चीज भी चाहिए इसलिए भगवान बुद्ध ने और चित्त मन खाय माइंड और बॉडी और चित्त खाय मन चीज़ का कंट्रोल और डेवलप करना के लिए भगवान बुद्ध ने शिक्षा दे दिया तो इसलिए आज हमको लगता है इस होलिनस दलाई लामा जी का जन्मदिन अवसर पर एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय बारे में चर्चा कर लिया और हिस्सोलिनस का भी मेन एक उद्देश्य है और ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए हिस्सोलिनस को और आप सभी लोग को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं विराम लेता हूं बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद नमो बुद्धाय पूज्य बंते जी आपके एक बहुत ही गंभीर और एक विचारात्मक समीक्षात्मक आधुनिक से लेकर के अध्यात्म तक और प्राचीन काल से लेकर के अद्यतन तक जो आपने हर प्रकार की शिक्षाओं का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया और अंत में जा करके के आपने जो सर्वांगीण शिक्षा का के महत्व पर आपने जोर दिया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अधिक समय न लेते हुए क्योंकि वक्ता हमारे पास हैं मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट विभाग के बौद्ध दर्शन विभाग के हेड प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें अनंत कर्णपयम तथागतम अनुत्तरम बंदा सिरसा बुद्धम धमम साधुगणम पीछ परम श्रद्धेय प्रोफेसर नोसन जी परम श्रद्धेय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी सभा में उपस्थित सारे भिक्षुवृंद आचार्यगण अधिकारी हमारे छात्र और छात्राएं आज परम पावन दलाई लामा जी के में जन्मदिन के अवसर पर अपने आप को सम्मिलित कर गौरवान्वित और बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं आयोजकों के प्रति और प्रोफेसर नवांग समतन जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस होलिस्टिक एजुकेशन जैसे विषय पर आज दलाई लामा जी के जन्मदिन के अवसर पर वन डे सिंपोजियम का आयोजन किया है होलिस्टिक एजुकेशन या सर्वांगीण शिक्षा या समग्र शिक्षा को समझने के लिए हम दलाई लामा के कार्यकलापों को यदि आंकलन करें तो जब से वो भारत में आए हैं तब से उनके पास चार प्रतिबद्धताएं, जो कमिटमेंट्स के रूप में उनके पास रही हैं उनको पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दिया सबसे पहले जैसे प्रोफेसर पेमा जी ने कहा प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज मानवीय गुणों का विकास करना दूसरा प्रमोशन ऑफ द रिलीजियस हारमोनी धार्मिक सौहार्द के लिए उन्होंने जो आज तक जब से भारत वो आए हैं इसके प्रयास में लगे रहे हुए हैं तीसरा जो उनका रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बत रिलीजन आइडेंटिटी कल्चर जो तिब्बत की प्राचीन विरासत में जो हमारे संस्कृति छिपी हुई है उसके संरक्षण के लिए वो लगे हुए हैं इन तीनों बिंदुओं पर हम विशेष नहीं कहने जा रहे हैं जो चौथा उनका कमिटमेंट और प्रतिबद्धता जो दलाई लामा जी का रहा है रहा है प्रमोशन ऑफ द सेकुलर इथिक्स धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और इसी को आगे वो डेवलप कर कर ये होलिस्टिक एजुकेशन का या सर्वांगीण शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं सेकुलर एथिक्स के प्रमोशन के लिए या उसके विकास के लिए वो भारतीय ज्ञान परंपरा को जो हम हाँ भारत में विरासत से मिली हुई है उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं बार बार उसके संरक्षण की बात करते हैं और बार बार हमारे ज्ञान परंपरा को जीवित करने की बात करते हैं यहाँ सेकुलर इथिक्स या धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का अर्थ दलाई लामा जी कहते हैं कि यह एक तरह से सभी धर्मों के बारे में सोचना नहीं है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने के हैं रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और उसका वो भगवान बुद्ध के समय से ही यदि हम महाप्रभिबाण सूत्र में देखें तो कैसे सात अपरिहारणीय धर्मों का वो जिक्र करते हैं जिसमें सभी धर्मों के बारे में सौहार्द की बात करते हो साथ ही वो सभी चैत्यों मंदिरों आदि के संरक्षण की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि जो जिस राज्य में आता है उसका सम्मान किया जाए और जो इस राज्य में आता है वो शांति से जीवन व्यतीत करें इसके बारे में वो बार बार भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो इस सात अपरिहारणीय धर्मों का पालन करता है वही राष्ट्र शांति से रहता है और शांति से अपने समाज को एक तरह से शांति व्यवस्थित करता है और यहीं से हमारा जो सेकुलर एथिक्स मतलब शुरू हो रहा है और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की जो हमारी दलाई लामा बार बार बात करते हैं और इसका मूल जर वो कहते हैं कि जो सेकुलर एथिक्स नैतिकता या धर्मनिरपेक्ष नैतिकता जो है यह एक तरह से साइंटिफिक फाइंडिंग्स कॉमन सेंस और कॉमन बिहेवियर ये तीन चीज पर आधारित है और इसी सेकुलर एथिक्स के ऊपर वो एक तरह से भारतीय ग्रम ज्ञान परंपरा को खोजते हैं जो एंशियंट विजडम की बात बार बार वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो विरासत से हमारी ज्ञान परंपरा रही है उसको कैसे पुनर्जागरण के रूप में लाया जाए और ये भी कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हम पुनर्जागरण के रूप में लावें इसका ये अर्थ ही ये नहीं है कि हम एक धार्मिक अनुवाद के रूप में इसको हम ला रहे हैं ये एक धार्मिक सौहार्द के रूप में इसको व्यवस्थापक बेवस्था, करने के रूप में लाते हैं वो और वो कहते हैं कि ये समग्र शिक्षा ये जो होलिस्टिक एजुकेशन है यह हमारा सेकुलर एथिक्स के ऊपर ही आधारित है और धर्मनिरपेक्ष जो नैतिकता की जो बात करते हैं वो यहीं से एक तरह से शुरू हो रहा है बाद के आचार्यों ने भी जो अवतार में आचार्य शांति देव के बारे में हम जब देखते हैं तो उन्होंने भी वही करुणा और मैत्री जैसे बातों को लेकर और चित्त के लेकर कैसे वहाँ पर नैतिकता की बात करते हैं धर्म निरपेक्ष नैतिकता की जो बात अवतार में आचार्य शांति देव के द्वारा कही गई है वह एक तरह से मॉडल पीस एक तरह से मॉडल के रूप में काम कर रहा है और वो भी आचार्य जो हमारे नालंदा परंपरा बार बार वो कहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म जो तिब्बत में बौद्ध धर्म है वह एक तरह से नालंदा परंपरा पर आधारित है और नालंदा परंपरा पर भी आधारित होकर यह ज्ञान परंपरा तिब्बत में गई है जो एक तरह से हजार वर्षों से वहाँ पर हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है जरूरत है उस सुरक्षित जो ज्ञान परंपरा तिब्बत में छिपी हुई शास्त्रों के अंदर उसको कैसे विकसित किया जाए कैसे उसका विकास किया जाए इसी सेक्युलर एथिक्स के ऊपर में समग्र शिक्षा का जो हमारा दलाई लामा जी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में दो मिनट हम कहना चाहेंगे कि समग्र शिक्षा जो दलाई लामा जिस रूप में देखना चाहते हैं कि यह एक तरह से समुदाय के समग्र शिक्षा उस दार्शनिक व्यवस्था पर आधारित है जो एक तरह से समुदाय कम्युनिटी से संबंध रखता हो साथ ही जो प्राकृतिक वातावरण से संबंध रखता हो साथ ही करुणा मैत्री आदि मानवीय गुणों के साथ अपने समाज में एक पहचान और एक अर्थ के रूप में जो स्थापित करता है वह समग्र शिक्षा या होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में वो रखते हैं और इसी रूप में वो विकसित करना चाहते हैं कि समग्र शिक्षा आखिर है क्या और समग्र शिक्षकों को होलिस्टिक एजुकेशन को वह एक तरह से अपना आंतरिक विकास या जो इंटरनल एक तरह से डेवलपमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं मन और चित्त की विशुद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में बार बार वो मतलब जो है प्रयास करते हैं और इस आंतरिक शुद्धि विशुद्धि के लिए वह एक तरह से बोधिचित्त और करुणा के बारे में एक तरह से बार बार जोर देते हैं और इसी का आचार्य शांति देव ने बोधिचर्यावार या अन्य आचार्यों ने इस पर ज़्यादा इम्फेस दिया है कि किस प्रकार से करुणा और बोधिचित्त का हम एक तरह से संयोग करने पर किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात हम बढ़ा सकते हैं और इसी होलिस्टिक एजुकेशन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारा कम्युनिटी के साथ एक तरह से समुदाय के साथ जब तक हमारा संबंध नहीं हो सकता है और मानवीय मूल्यों को हम जब तक विकसित नहीं कर सकते हैं तब तक हम समग्र शिक्षा की बात हम विकसित करने की बात नहीं सोच सकते हैं और इसके लिए इन्होंने उसी प्रयास के अंतर्गत अभी आपने सुना होगा कि पिछले साल हैप्पी गुरुकुलम दिल्ली के सारे विद्यालयों में लागू किया गया और इसका मॉडल एक यही था कि किस प्रकार से छात्र जो पहली क्लास से लेकर गिंडर गार्डन से लेकर आठवीं क्लास तक किस प्रकार से अपने आप को साधना के द्वारा आंतरिक शुद्धि के द्वारा किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं वह एक तरह से वहाँ पर डेवलप कर रहा है या विकसित कर रहा है तो अभी मनीष सिसोदिया जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली राज्य के उन्होंने हैप्पी करिकुलम जिसका उद्घाटन हमारे दलाई लामा जी के द्वारा किया गया अभी जो एक नया हमारे पावन दलाई लामा जी के साथ जो एक प्रयास किया गया वह एक प्रयास है सी लर्निंग यदि आप उसको देखेंगे कि इसी पाँच अप्रैल को ये एक तरह से लॉन्च किया गया है सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग सामाजिक भावनात्मक एवं नैतिकता शिक्षण एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है इसके अंतर्गत दलाई लामा जी की जो सोच है उसके बारे में दो मिनट हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसके जो सी लर्निंग सोशल इमोशनल इथिकल एंड लर्निंग ये जो हमारा शिक्षण है इसमें तीन डायमेंशंस है सबसे पहला है अवेयरनेस दूसरा है कंपैशन और तीसरा है इंगेजमेंट इन तीनों पर हम थोड़ा सा आपके बारे में कहना चाहेंगे सबसे पहला जो अवेयरनेस दिया गया है अवेयरनेस के बारे में कहा गया है कि किस प्रकार से हमारा इसको हम यदि अपने बौद्ध साहित्य के ऊपर देखना चाहेंगे तो अवेयरनेस यहाँ पर स्मृति प्रस्थान सती पठान के रूप में हम इसको ले सकते हैं और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि यह सती जो है एक तरह से जस्ट लाइक ए डोर कीपर एक द्वारपाल की तरह है कि जिस प्रकार से एक द्वारपाल अपने अकुशल धर्मों को मानस धरातल पर उत्पन्न नहीं होने देता है उसी प्रकार से स्मृति भी अकुशल धर्मों को उत्पन्न नहीं होने देती है तो ये अवेयरनेस जो पहला एक तरह से डायमेंशन से सी लर्निंग का है सोशल इमोशनल यथिकल लर्निंग का वो अवेयरनेस है कि हम किस प्रकार से समाज में अपने आप को हमेशा अलर्ट या सावधान रखें और उसमें भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि एकायनों एवं भग्गो सत्तानम विशुद्धिया सति सतीपट्ठाना कायनुपसना वेदनानुपसना चित्तानुपसना धम्मानुपसना और इसी परिपेक्ष में अवेयरनेस को यहाँ पर रखा गया है जो सी लर्निंग का जो पहला जो डायमेंशंस है और इसके बाद दूसरा रखा गया है करुणा करुणा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि करुणा जो पाली में कही गई है कि कम इति रुणाती कम इति दुखम रुणाति इति तम पविष्यति बिना साय च दूसरे के दुख को देखकर केवल दुखी नहीं होना या अपने अंदर कंपन नहीं होना लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति के दुख को किस प्रकार से दूर करने के लिए हम प्रयास करें यह करुणा वहाँ पर कही गई है तो यहाँ पर करुणा जो रखी गई है सी लर्निंग के तहत उसमें विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में ये केवल हम नहीं कहते हैं छात्रों को कि केवल तुम करुणा उत्पन्न करो यहाँ पर किस प्रकार से अपने क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा अपने आंतरिक अनुभव के द्वारा किस प्रकार से हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावे इसके लिए वहाँ पर कम्पैसन रखा गया है और तीसरा जो रखा गया है वह है इंगेजमेंट जिसको हम लोग सक्रियता कहते हैं यहाँ पर अवेयरनेस और दूसरा जो कम्पेशन इन दोनों को मिलाकर जो इंगेजमेंट की बात आ रही है इंगेजमेंट के बारे में भी हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि, कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में सक्रियता जो कंसेप्ट आ रहा है कुछ वर्ष पहले थिक ना तहान सोशली इंगेज बुद्धिज्म इंगेज बुद्धिज्म कि किस प्रकार से हम बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में सक्रिय रूप में ला सकते हैं अपने प्रयोग में उसको अनुभव कर सकते हैं वेन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध आर अप्लाइड इन आवर डे टू डे लाइफ दिस इज कॉल्ड एज इंगेज बुद्धिज्म इसी इंगेज को यहाँ पर भी एक तरह से दलाई लामा जी का जो तीसरा डायमेंशन सी लर्निंग का है वो रखा गया है कि जो अवेयरनेस और कंपैशन उसको आप किस प्रकार से समाज में अपने अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप में उसको भाग लेते हैं और इन तीनों को अवेयरनेस कंपैशन और इंगेजमेंट ये तीन जो हमारे डायमेंसन से सी लर्निंग के इसको इन्होंने तीन भाग में फिर एक तरह से डोमेन के अंतर्गत रखा गया है जिसमें सोशल पर्सनल एंड सिस्टम्स तीन प्रकार का यह रखा गया है सोशल का अर्थ यहाँ पर समाज से है यानी समुदाय से किस प्रकार से हम समुदाय के अंतर्गत इन तीनों जो अवेयरनेस कंपैशन और इंगेजमेंट को रख सकते हैं दूसरा कि यहाँ पर जो रखा गया है एक तरह से पर्सनल आंतरिक यहाँ पर अनुभव के आधार पर हम किस प्रकार से अपनी शुद्धि कर सकते हैं आंतरिक डेवलपमेंट विकास कर सकते हैं यह यहाँ पर कहा गया है और तीसरा सिस्टम्स पद्धति या सिस्टमेटिक एक तरह से फॉलो करना ये एक तरह से दिया गया है और हमारे परम पावन दालाई लामा जी इसी तीन डायमेंशंस को जो हमारा अवेयरनेस कम्पैशन और इंगेजमेंट इसको सोशल पर्सनल और सिस्टम्स तीनों को नौ प्रकार के भागों में एक तरह से विभाजन किया है और इसी को एक तरह से होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में वो डेवलप कर रहे हैं कि छात्रों में यदि ये सी लर्निंग या सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग को यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि इसका फल हमारे पास तुरंत आवे लेकिन एक भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जो एक हमारे पास बच्चे इस प्रकार से तैयार होंगे जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कंपैशन और समाज में आंतरिक या समुदाय के साथ रहने की जो उनकी जो एक तरह से इच्छा है प्रबल वह एक तरह से डेवलप होगा इसी के साथ ये होलिस्टिक एजुकेशन दलाई लामा जी इसको डेवलप कर रहे हैं और भी बहुत सारे वक्ता इस पर बोलना चाहेंगे लेकिन जो होलिस्टिक एजुकेशन जो दलाई लामा जी का है यह डेवलप करने की ज़रूरत है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में केवल मेडिटेशन को एक कोर्स करिकुलम में रखा जा रहा है लेकिन ये सी लर्निंग को जब हम अपने विद्यालयों में जब लागू करेंगे तब दलाई लामा जी के होलिस्टिक एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य को हम पहचान पाएंगे जान पाएंगे इतना ही कहने के साथ मैं दलाई लामा जी के दीर्घायु स्वस्थ रहने की के लिए उनको बधाई देता हूँ उनके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ और इसी तरह से छात्रों के विकास के लिए वो होलिस्टिक एजुकेशन में नए नए अपने विचार थॉट्स को ला कर यहाँ पर रखें इसी के साथ मैं विराम देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दलाल लामा जी के होलिस्टिक एजुकेशन के जो अप्रोच हैं उस पर विस्तार से आपने एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत किया और हम लोगों को बहुत काफ़ी सूचनाएं दी मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाभदायक रहा होगा जिस प्रकार से परम्पराओं दल जी की शिक्षा जो आज वेस्ट में यूनिवर्सिटियों में जो मॉरल एथिक्स हैं उसके बारे में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं और केवल आईक्यू ही नहीं बल्कि ईक्यू पर जो है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हमने तो सुना कि अब एस क्यू पर आ गए हैं स्पिरिचुअल जो क्वेश्चन उस पर आ गए हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है जो भारतीय परंपरा रही है उसमें से जो बौद्ध परंपरा रही है शिक्षण की उसमें श्रवण चिंतन मनन का बहुत ही व्यापक महत्व है केवल श्रवण और चिंतन ही नहीं बल्कि उसके बाद जो भावना है जो आपने अभी कहा था कि स्मृति और उसके बाद जो अवेयरनेस हो गया और दूसरा जो है आ, ये आपका करुणा और तीसरा जो आपने इंगेज जो अप्लाइड बुद्धि की बात कही वो भावना पर ही है बुद्धिज़म में जब तक आप भावना पर नहीं उतरते हैं तब तक आपका श्रवण चिंतन मात्र अधूरा रह जाता है वो आप पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो चिंतन ज़रूरी है और भावना उससे भी ज़्यादा जरूरी है तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पांडे जी प्रोफेसर पांडे जी भूतपूर्व कुलपति काशी विद्यापीठ के पधार चुके हैं और हमारे वर्तमान कुलपति काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर टीएन सिंह जी भी पधार चुके हैं मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आप दोनों दल जी के चित्र पर मंच पर खाता अर्पण करके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ दें मित्रों हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज एक ऐसे महामानव महापुरुष सतपुरुष महात्मा संत आध्यात्मिक गुरु और एक लौकिक मार्गदर्शक नायक नेतृत्व शांति के अग्रदूत, विश्व शांति के अग्रदूत और करुणा के अवतार करुणा के प्रतिरूप अवलोकित ईश्वर के जो निर्माण काय के रूप में परम पावन दलाई लामा जी चौदहवें दलाई लामा जी के जन्मदिन को हम यहाँ के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मैं इसके पश्चात हमारे आदरणीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वे समागत दोनों कुलपतियों का अंग वस्त्र एवं खादा भेंट करके उनको सम्मान करने के कष्ट करें यह हमारी भारतीय परंपरा है हम अपने अतिथि जो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि होते हैं उनका सम्मान करते हैं अंग वस्त्र प्रदान करके और खादा भेंट करके आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं अभी अभी सक्रियता की बात आई थी हमारे प्रोफेसर बीमेंद्र कुमार जी ने सक्रियता की बात कही थी अंतिम वाला जो इंगेज है भावना वाला तो हमें सक्रिय होना है बिना जीवन में सक्रिय हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमारी स्मृति और हमारी जो करुणा है वो धैर्य की धैरी रह जाएगी अगर हम सक्रिय नहीं होंगे तो मैं अब आगे सभा को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में अशोक महाविहार के भिक्षु अशोक मित्र जी हैं मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आके कुछ शब्द कहें नमो तस्व भगवत रहुद्धस् नमो तस्व भगवत रहुद्धस् नमो तस्व भगवत रहुद्धस् परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिन पर मंगलाचरण कहने जा रहे हैं महाकारुणिको को तो नाथो हिताय सब पाणिनम पूरे पारमी सब्बापत्तो संबोधि मुक्तम एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम <coughs> जयंतो बोधिया मूले साक्यानम नंदी वर्धनो एवं तुयं जयो हो तो जयाश्व जय मंगलम शक्तत्वा बुद्धरत्नम् ओषधम् उत्तमं वरम् স্থিতাম বুদ্ধতেজেন সোথি নশ্যন্ত পদ্ধ শবে দুঃখাউপসমে সক্রধম রতম ওষুধমু উত্তম বরম আহু নয় বর পড়িলাহুপশন ধম তেজেন সোথি নত্যে ভয়ভূপশে সক্রত্ন ওষুধম आहुनैयं पाहुनैयं सङ्घतेजेन सोऽथि नश्यन्तु पद्ध्वा शब्दे रोगावुपशमयन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके बीजति विविधापुथो रत्नं बोद्धश्रमं नथि तस्माशोथि भवन्तु मे यं किञ्चिरत्नं लोके बीजति विविधापुथो रत्नं धर्मं नथि तस्मासुथि भवन्तु मे यम किंचे रत्न लोके बीजते विविधा पुथो रत्न संघ सम नत्थि तस्मा सोथी भवंतु मे नत्थि मे शरणंग अंग बुद्धो मे शरण वरंग न हो तो ते जय मंगल नत्थि मे शरणंग अंग धम्मो मे शरण वरंग तेन न हो तो ते जय मंगलम नद्धि मे शरणं य अंशङ्गो मे शरणं वीतेन सच्चुवज्येन होतु ते जयमङ्गलं शब्दीति ओविभज्यन्तु शब्दरोगो विनाश माते मा ते भवतन्तरायो सुखी भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्देवता शब्दबुद्धानुभावेन सदा सुद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता सब सदा सोति भवंतु भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवंतु ते नखत्ते अख भूतानां पाप गह निवारण परतशानुभावेन योचामना पोषकुडश सद्दो

साधु 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 बंते जी बंते जी ने बहुत अच्छा पाठ किया मुझे भी मुझे भी थोड़ा उत्साह आ जाएगा मैं भी परम पावन जी के लिए उनके चिरायु होने के लिए दीर्घायु होने के लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ जेलामा लामा खाँजो यू ले कोई जेठें डा जमनी औला ख्या के कुछ तेंबे मोलम शो खे कुछ तेबे मोलम शो कुछ तेबे मौलम अर्थात भटारा गुरु आपने हिम प्रदेश तिब्बत में जन्म ग्रहण किया परम पावन जी के लिए आपने अपने निर्माण कार्य कृत्यों को आर्यवर्त भारत देश में विस्तार दिया और आपकी प्रसिद्धि आपकी ख्याति समूचे विश्व में फैल गई मैं आपके दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूँ इसी अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंचस्थ मुख्य अतिथियों की ओर मैं आ, बढ़ता हूँ हमारे सर्वप्रथम मैं हमारे भूतपूर्व काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर कुलपति महोदय प्रोफेसर के पी पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि आप इस जन्मदिन परम्पावंद मी जी जन्म के जन्मदिन के अवसर पर अपने विचार रखें अखंडमंडलाकार व्या येन तत्पथम दर्शय ये न तस्म श्री गुरुवै नम अज्ञानीरांध से ज्ञाजनशलाकिया चक्षु उन्मीलित ये तस्मै श्री गुरुवे नम आज इस भव्य आयोजन के अवसर पर मैं परम पावन दलाई लमा को उनके दीर्घायु होने की शुभकामना अर्पित करता हूँ मुझे हिजोलिनेस से निकट का दर्शन और संपर्क साधने का मौका बहुत अच्छे समय पर और एक अच्छी परिणति के साथ मिला मैं जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में था तो वहाँ के कुलपति डॉक्टर आर के सिंह ने पहला अपॉइंटमेंट लिया था इन द अर्ली सेवेंटीज़ विद हिज होलीनेस और उन्होंने जो बयान विश्वविद्यालय समुदाय के सामने रखा उसमें सबसे मुख्य बात जिस पर उन्होंने बल दिया वो ये था शिक्षा में शिक्षा की प्रक्रिया को मानव निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना और हमारे जितने ऋषि तुल्य महापुरुष रहे हैं इस धरती पर और हिम प्रदेश तिब्बत में जो भी चिंतक रहे हैं उनके ग्रंथों को यदि हम अवलोकन के दायरे में लाएं, तो मूल रूप में यही निकलता है परिणाम चाहे कुछ भी हो हर समाज को एक उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए और समाज में एक उत्कट इच्छा होनी चाहिए उस उत्कर्ष को उस शिखर को तलाशने की जिस शिखर के लिए पूरा मानव समाज निर्मित हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि इसी धरती पर हमारे अन्य कई चिंतकों ने ये बात कही थी और बहुत ही जोर देकर कहा है कि एजुकेशन एक मैन मेकिंग प्रोसेस है कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस है और यदि हम शिक्षा के जरिए खाली इन्फॉर्मेशन देते हैं चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं मानवीय संवेदनाओं को सृजित नहीं करते हैं व्यक्तित्व का अंग नहीं बनाते हैं तो वह शिक्षा मिथ्यात्व की परिधि में आ जाएगी हमारे यहाँ यह मान्यता रही है कि हर अक्षर में मंत्र बनने की संभावना है हर वनस्पति में औषधि बनने की संभावना रहती है और हर व्यक्ति में उत्कृष्ट रूप धारण करने की एक अंतर्भूत शक्ति होती है अमंत्र अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम औौषधम अयोग्य पुरुषो योजक तत्र दुर्लभ ये जो योजक है ये कहलाता है विजनरी जो हमारे परम पावन दलाई लामा हैं, वो योजक हैं उन्होंने जो पोटेंशियल को एक्चुअल जो योजक होता है जो शिक्षक होता है वो पोटेंशियल को एक्चुअल स्वरूप देने में युक्तियों का बड़ा प्रभावी उपयोग सहज रूप में करता है यदि आप हिज होलीनेस को करीब से देखें और उनके कार्यों के माध्यम से उनके कृत संकल्पों की ओर थोड़ा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उन्होंने उस अंतर्भूत जो उत्कर्ष है हर व्यक्ति में छिपा हुआ जो पूर्णता है उसको तलाश कर उसे अभिव्यक्ति देने के जिसे स्वामी विवेकानंद हमारी धरती पर कहा करते थे शिक्षा व्यक्ति में निहित तो पूर्णता की अभिव्यक्ति है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन ए पर्सन हम लोग सभी पूर्णता से आच्छादित हैं और उस पूर्णता को समझकर उस पूर्णता को आकार देना और उस बहुआयामी स्वरूप को धारण करना इसको संभव बनाती है शिक्षा परम पामन ने जो भी अभी तक काम किए हैं अभी जो पूर्व वक्ता कह रहे थे मैं उसकी प्रशंस उसकी उन युक्तियों की उन प्रतिज्ञप्तियों की मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने जो थ्री सी की बात कही है देखिए शिक्षा में एक आंदोलन चला था और वह आंदोलन अभी जारी है वह आंदोलन था पहले यह था कि व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता होती है जिसका जो आधार है वह सीरियल थिंकिंग होती उसको हम लोग नाम देते थे आई क्यू सो एजुकेशन वॉज ओवरवेल्मिंगली डोमिनेटेड बाय इनकलकेशन ऑफ इंटेलिजेंस विच वॉज कॉल्ड एकेडेमिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन सीरियल थिंकिंग जिसमें आर्गूमेंट तर्क वितर्क और इस तरह के युक्तियों के संवरण पर जोर देता दिया जाता रहा है जो हमारे विद्यालयों में महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में जिस चिंतन पर बल दिया जाता था वह चिंतन होता था आईक्यू बेस्ड या आईक्यू सपोर्टेड एक दूसरी लहर आई 90 के दशक में जिसको हम लोगों ने नाम दिया है भावात्मक प्रज्ञा इमोशनल इंटेलिजेंस इस पर डैनियल गोलमैन ने जो काम किया है और मैं महामहिम के जो व्यवहारिक प्रस्ताव हैं उनको मैं जब देखता हूं तो उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है सेल्फ रिस्टेंट अपने भावनाओं पर संयम अपने भावनाओं को दूसरों से जोड़ना ये जो हम लोग इम्पैथी की बात करते हैं और ये जो कंपेशन की बात करते हैं वह समर्थित है इमोशनल इंटेलिजेंस तो पहला जो क्यू था आई क्यू और यह नहीं है कि दैट वाज़ रिप्लेस दैट वाज़ सप्लीमेंटेड बाय ई क्यू इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ फर्दर रिसर्च हैव शोन ये जो ब्रेन हमारा है उसमें ब्रेन में जो साइंस है वो बता रहा है कि ऐसे सेंटर्स हैं राइट और लेफ्ट जो ब्रेन है उसको हमें डेवलप करना हो तो उसको डेवलप करने के लिए एक थर्ड क्यू को भी लाना होगा एंड दैट इज एस क्यू जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जितने महापुरुष रहे हैं आम, आ, आ, और मैं परम पावन दलाई लामा को उनमें एक मानता हूं जिन्होंने केवल अपनी बात को आई से ही नहीं जोड़ा ई से ही नहीं जोड़ा बल्कि एस से भी जुड़ा एस क्या है एस क्यू एक ट्रांसेंडेंस की बात करता है गोइंग बियॉन्ड द प्रेजेंट और ऐसे दूर दूर की बातें सोचना मूल्यों के बारे में सोचना हमारा जीवन हमें जीवन क्यों मिला है हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है और इन मूल्यों की परिधि को समझना और उनके परे जाना परे ले जाना शिक्षा में इस बात पर भी एक बहुत ही महत्व पूर्ण भूमिका शिक्षा के पाठ्यक्रमों से अद्यतन संदर्भ में दी जा रही है विश्वविद्यालयों में यह पहल की जा रही है कि विश्वविद्यालय केवल आईक्यू का ही नर्चरिंग न करें केवल ईक्यू का ही नर्चरिंग न करें बल्कि एसक्यू को भी अपने पाठ्यक्रमों में अपने शिक्षण की विधियों में अपने क्रियाकलापों में अपने संस्कारों में और अपने परिवेश में एक ऐसा आयाम जोड़ें जिससे ये तीनों क्यूज जुड़कर होलिस्टिक एजुकेशन की ओर पूरी व्यवस्था को ले जाए आप थोड़ा नजदीक से देखें तो दलाई लामा के प्रस्ताव को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में एक जो कंसर्न रहा है और वह कंसर्न उन्नीस में एक जैक्स डेलर रिपोर्ट जिसको जिसका जिस रिपोर्ट इंटरनेशनल कमीशन था और उस कमीशन के चेयरमैन जैक्स डेलर्स थे, उन्होंने उस रिपोर्ट की टाइटल दी लर्निंग द ट्रेजर विद इन और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी की शिक्षा में यदि ये चार स्तंभ नहीं लाए गए और उन चारों स्तंभों को मुखर नहीं किया गया उन सा, चारों स्तंभों को प्रभावी और बलशाली नहीं बनाया गया तो शिक्षा अपने आप पूरे समाज को जर्जरता की ओर ले जाएगी निर्बलता की ओर ले जाएगी और मूल्य ह्रास होना जब मूल्यों का ह्रास होता है तो कोई भी समाज ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता विश्वविद्यालय समाज देखिए शिक्षा को शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनको हम एक मिनिएचर सोसाइटी मानते हैं और उस सोसाइटी में मैं तो यह समझता हूँ और हम लोग शिक्षा शास्त्र में इस बात को बहुत ही अहम रूप में रेखांकित करते हैं कि विश्वविद्यालय को इट शुड नॉट बी द क्रिएचर ऑफ सोसाइटी इट शुड बी ए क्रिएटर ऑफ सोसाइटी क्रिएटर ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है हमारे जो मूल्य हैं जो समाज में जिस तरह से समाज के स्वरूप को झकझोर रहे हैं और समाज को निर्बल बना रहे हैं उन मूल्यों को छानकर उनके परिष्करण के माध्यम से ये जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें जो कार्यक्रम हो हमारे विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम हो हमारे विश्वविद्यालयों में जो कार्यनीतियाँ हों उनमें उन मूल्यों का संवरण प्रमुख मुद्दा होना चाहिए तभी आप देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय हैं वो एक ऐसी लेबोरेटरी के रूप में काम करेंगे जहां मूल्यों का हम परीक्षण करेंगे और वो कौन से मूल्य हैं जिनसे हम बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए पाठ्यक्रम में स्थान दें और उस पाठ्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास करें जिस व्यक्तित्व की रचना के साथ जब वो समाज का अंग बने समाज का सदस्य बने तो समाज को नए ढंग से वो गतिमान करें यही विश्वविद्यालय का क्रिएटर क्रे, क्रे, रोल है यह नहीं कि विश्वविद्यालय समाज का लघु रूप है लघु रूप होने में तो बड़ी बुराइयां आती हैं जो समाज में हो रहा है वो हमारे विश्वविद्यालयों में भी होगा आप इसका एक मानक देख लीजिए विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं जिस तरह से चुनाव समाज में हमारे सामाजिक दायरे में होते हैं उसी तरह से उसी उसी पद चिन्ह पर चलकर चुनाव छात्रों के होते हैं और यदि किसी कुलपति ने इसका विरोध एक कल्पनाशीलता के साथ नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि उसको विश्वविद्यालय का नेतृत्व संभालने का हक नहीं आज के संदर्भ में हर विश्वविद्यालय को हर नेतृत्व को चाहिए कि वो बहुत ही जोर देकर मूल्यों से कोई समझौता न करे हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रोज़ संघर्षों के दौर से गुजर रहे हैं मैं आपके प्रति सहानुभूति देता हूँ कि आप कैसे जी रहे हैं और ये देख रहा हूँ कि पहले से अब इनमें ऊर्जा कुछ ज्यादा लग रही है मेरे ख्याल से संघर्ष से आदमी सर्वाइवल अब द फिटेस्ट जो थियोरी है संघर्ष से सर्वाइव करना आदमी सीखता है आज के संदर्भ में नॉट ओनली सर्वाइविंग हमारा मोटो होना चाहिए थ्राइविंग हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति हैं मैं मैंने इनको बहुत नज़दीक से नहीं देखा था लेकिन अब जो कुछ श्रुतियों से इनको देखने का मौका आ रहा है ये आदमी ऐसे हैं जो मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते दिखावे के लिए नहीं और ख़ास तौर से जो मूल्यांकन में जो दुर्गतियाँ हो रही हैं उन पर उन्होंने जो प्रभावी अंकुश लगाया है एक संकल्प के साथ विकल्पों को एक खास आयाम दिया है मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आज उस उन मूल्यों को अक्षुण बनाए रखने के लिए प्रयासरत है जिनके लिए हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में एक मुखर रूप से चिंता अभिव्यक्त की गई है हमारा जो केंद्रीय तिब्बती संस्थान है मैं यहाँ आता रहा हूँ और अभी भी आता रहता हूँ कई बार बिना बुलाए भी आ जाता हूँ और मुझे देख बड़ी यह खुशी होती है कि यहाँ का हर आदमी अपने को इंगेज फील करता है देखो इंगेजमेंट एक ऐसा शब्द है इंगेजमेंट क्या है सोशली इंगेज ये बुद्धिज़्म को जब समाज से अलग कर दिया गया तो एक नई बुद्धिज़्म की धारा प्रस्फुटित हुई है कि समाज से जुड़े हर एक को शांति चाहिए हर एक को दुखों से बचाव चाहिए तो दुखों से बचाव के लिए शांति की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा हमें करना होगा उस उन बुद्ध धर्म और बुद्ध जो शिक्षा थी उनके अहमियत को समझते हुए उसके जो अंतर अंतर्गत जो एक उपदेश के तत्व थे उन तत्वों को संभालते हुए और उनको सामाजिक कार्य प्रणाली का एक स्वरूप धारण करते हुए उसको स्वरूप देते हुए हमको चाहिए कि हम एक नए ढंग से बुद्ध की शिक्षा का सूत्रपात करें इस देश में हमारे पाठ्यक्रमों में बुद्ध को रिविजिट कराए जाए और बुद्ध के उन वचनों से जिसमें उन्होंने कहा बुद्ध ने अपने अंतिम दिन यही कहा था जब आनंद थोड़ा भाव विवल हो रहे थे और जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो क्यों तुम इतना भावुक हो रहे हो और जो उसमें वाणी में आता है उसमें यह कहा है कि अभी तक तो हम लोग आपसे पूछताछ करते थे विमर्श करते थे कोई समझ में बात नहीं आती थी कोई संकट आता था अब हम किससे पूछेंगे भगवान बुद्ध ने शरीर त्याग करते समय भी यही कहा मैंने मेरी शिक्षा का मूल रहस्य यही रहा है भव ऑटोनमी जब विद्यार्थी ऑटोनमस हो जाए स्वायत्त तो शासी व्यवस्था के तहत अपने को ढाल ले तो वही असली शिक्षा है वही सर्वांगिक शिक्षा है वही होलिस्टिक एजुकेशन होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब यह है व्यक्ति को सशक्त बनवाना सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें जो जीवंत तत्व हैं उनको हम अभिसिंचित करें उन जीवंत तत्वों को पाठ्यक्रमों के माध्यम से आयाम बहुआयामी बनाते हुए पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों के संकुल से हम शिक्षा के उद्देश्यों को जिसमें प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का अहम विकास व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो जीवन से जोड़े जो समाज से जोड़े और समाज की धारा से सहज रूप में जोड़े ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए केवल परीक्षा पास कराने वाली व्यवस्था हमारे देश में दुत्कारी गई अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ वर्षों पहले विश्वविद्यालयों के लिए एक संदर्शिका दिया है एक संदर्शिका के रूप में बात कही है कि जो सुधार हो एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक उनके पांच खंभे हों पहला तो यह है कि पूरी व्यवस्था को एनुअल सिस्टम से हटाकर सेमेस्टर सिस्टम की ओर कर दिया जाए सेमेस्टर सिस्टम करने से क्या फायदा होगा सेमेस्टर सिस्टम करने से ये फायदा होगा कि करु क्रम का स्पेस बढ़ जाएगा और लर्निंग लोड कम हो जाएगा एनुअल जो इंस्ट्रक्शन होता है एजुकेशन होता है उसमें विद्यार्थी केवल दो महीने पढ़ता है वो भी टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दी एकेडमिक सेशन तो कम से कम सेमेस्टराइजेशन की जो अनुशंसा की गई है मेरे ख्याल से 2024 तक कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं रहेगा जहां सेमिस्टराइज कोर्सेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं हो दूसरी बात उसमें कही गई है कि सेमेस्टराइजेशन के साथ साथ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी ए कंटिन्यूस थिंग हर साल पाठ्यक्रम बदला जाए और पाठ्यक्रमों में उन तत्वों को लाया जाए जिन तत्वों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है तो करिकुलम डेवलपमेंट में हर साल ज्ञान के दायरे तेजी से बढ़ रहे हैं उन ज्ञान के दायरों को पकड़ने के लिए करिकुलम को हर साल बदला जाए और हर साल यदि मेजर रूप में नहीं तो थोड़े थोड़े अंशों में बदलते हुए हर तीसरे साल पाठ्यक्रम को एक सब्सटेंशियल तरीके से बदलाव के दायरे में लाया जाए साथ ही जो हमारा हमारी परीक्षा पद्धति पर है हमारा जो प्रवेश का तक, तंत्र है उनमें सुधार लाया जाए और हमें मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए हम मूल्यों के संवर्धन की ओर हर स्नातक को ले जाएं जो समाज को एक नया दर्शन समाज को एक नई कल्पना समाज को एक नया आकार और समाज को एक नई संजीवनी देने में महत्वपूर्ण होगा आप देखिए तो सही परम पावन दलाई लामा के जीवन उनकी शिक्षा और उनके अब तक के जितने अवदान हैं क्या उनमें आई केवल आई क्यू की बात कही गई क्या उनमें केवल ई क्यू की बात कही गई ऐसा नहीं है उसमें आई क्यू क्यू और एस क्यू ये तीनों तत्व जिनका एक शोध का आधार जिन पर हम कहते हैं कि केवल सीरियल थिंकिंग ही नहीं बल्कि एसोसिएटिव थिंकिंग और यूनिटिव थिंकिंग इससे ही व्यक्तित्व तो बनता है और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम पाठ्यक्रमों को सशक्त बनावें प्रभावी बनाएं शिक्षकों को सशक्त बनावें शिक्षकों में वह एक क्षमता और उनके क्षमता संवर्धन की ऐसी युक्ति लाएँ कि वो हर साल बदले अपने को बदलना हुआ पाए यदि किसी भी विश्वविद्यालय ने इस कार्य को कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हिजोलोनियस ने जो बात कही थी कुछ दशक पहले कि ये जो हैप्पीनेस की ओर हमें ले जाना है, हैप्पीनेस की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम विश्वविद्यालयों के परिवेश को बदलें कि बहुत सी बातें विद्यार्थी परिवेश से सीखता है बहुत सी बातें विद्यार्थी अपने शिक्षक के मेंटरिंग से सीखता है शिक्षक के संपर्क में प्रभाव में सीखता है तो इस तरह के अच्छे शिक्षक बनाने की अच्छे शिक्षकों को एक विश्वविद्यालय में वहाँ से निवर्तित न विनिवर्तित ना हो यह चेष्टा करना चाहिए और हमें विश्वविद्यालयों को एक नया स्वरूप देने के लिए संकल्प लेना चाहिए आज के दिन यदि हमने संकल्प लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस महापुरुष को हम सही रूप में एक अपनी प्रेरणा और अपने जो बंधन के स्वर हैं उनको आकार दे रहे हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बधाई दे रहा हूँ कि आज के इस संस्कार उन्मुख कार्यक्रम में आप जो भी ये बातें कहेंगे श्रवण मनन और निधिध्यासन ये तीन विधियाँ रही हैं हमारे भारतीय परंपरा की जिन पर जिन विधियों को तिब्बती दर्शन ने भी एक तरीके से अपने अंदर एक्चुअलाइज किया है श्रवण मनन और निधिध्यासन निधिध्यासन का मतलब एप्लीकेशन व्यवहार रूप देना जो भी आम सीखें तो मैं तो हमेशा इसको युक्ति रूप में कहता हूँ अपने अपने साथियों से अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि सुनो ध्यान से सुनो फिर समझो श्रवण मनन समझो उस पर मनन करो और फिर मन में उतारो सुनो समझो ये साधारण हिंदी में मैंने आपके सामने कहा सुनो समझो मन में उतारो अपने आत्मिक स्वरूप के साथ उस संज्ञान को उस ज्ञान को जोड़ो और उससे तुम्हारा आत्मविकास होगा जिसको कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जिसको हिज होलीनेस आज के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में एक अकेले चिंतक हैं जो जिस बात को वो बार बार आवृत्ति होने की संभावना होते हुए भी बार बार सभाओं में कहते हैं अपने ग्रंथों में इस बात को रेखांकित करते हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ दलाई लामा के दीर्घायु होने की शुभ शुभकामना देते हुए मैं आपके इस संस्थान को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को कम से कम एक ऐसे ओजस्वी कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जिससे हमारे सभी जितने लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनमें एक नया स्फुरन एक नई प्रेरणा एक नई कल्पना एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा लेकर हम सभी जाएंगे यह मेरे मुझे पूरा विश्वास है मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ धन्यवाद कुलपति महोदय आपने बहुत ही गंभीर चिंतनपूर्ण और विद्वतापूर्ण अपने वक्तव्य में जो विचार रखे वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मानव के विकास की और आपने उससे भी महत्वपूर्ण बात कही कि हर चीज़ में पॉजिटिव दृष्टि होना एक अक्षर में भी मंत्र होने की संभावना हो सकती है वनस्पति में औषधि होने की संभावना हो सकती है और मनुष्य में उत्कृष्ट होने की संभावना हो सकती है ये एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि है जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं अगर आपकी दृष्टि सम्यक हो गई तो और आपकी कल्पना उसके बाद संकल्प आपका सम्यक हो गया तो फिर मनुष्य अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से निर्माण की ओर ले जा सकता है हम सभी योनियों में मनुष्य योनि को श्रेष्ठ मानते हैं और अगर मनुष्य योनि श्रेष्ठ है उसमें क्षमता है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और उसकी श्रेष्ठता उस उसकी क्षमता का भरपूर प्रयोग करना चाहिए अन्यथा हम नहीं जानते हैं कि इसके बाद हमें यह जन्म पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें उस पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहिए क्षण संपदी यम सुदर्लभ सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी यदि नात्र विचितित हितम पुनरपेश समागम कुतः ये पुनः कहाँ से आएगा हम कैसे जानेंगे क्योंकि हमारे अंदर तो वो ज्ञान है नहीं हमारे अंदर तो अभिज्ञा है नहीं कि हम पूर्व जन्म और पर जन्मों को जान सकें हम इसी जन्म को जानते हैं लेकिन इस जन्म को जानते हैं लेकिन हम पुनर्जन्म और प्रजनम को मानते हैं मृतो को व ना जीते परिवर्तित संसारे इस परिवर्तनशील संसार में मर करके कौन जिंदा नहीं कौन नहीं जीता कौन पैदा नहीं होता है सभी लोग पैदा होते हैं लेकिन पैदा होना उसी का सार्थक है जो स जातो ये न जाते न वंश समुन्नतिम याति उस पुत्र का पैदा होना सार्थक है जिसके पैदा होने से वंश समुन्नति को प्राप्त होता है अन्यथा परिवर्तनी संसार है मृतों को ना आ जाए थे कौन मर करके पैदा नहीं होता है हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते हैं इसलिए मनुष्य की जो सक्षमता है उसमें जो क्षमता है उसको जानना होगा और उस क्षमता को जानने के लिए भगवान बुद्ध ने जो स्वतंत्रता दी उसको हमें जानना चाहिए ताकि हम अपने उन उन उसके आधार पर हम अपने जो हाँ, मानव विकास है हमारे मनुष्य के अंदर में जो क्षमता है उसको हम विकसित कर सकें और हम निर्वाण की ओर उन्मुख हो सकें हम दुखों से दूर हो सकें और परम सुख को प्राप्त कर सकें मैं आ, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ पांडे जी को आपने बहुत ही अच्छा वक, बहुत ही गंभीर वक्तव्य आपने दिया इसके बाद मैं पुनः जो है काशी विद्यापीठ के ही जो वर्तमान कुलपति हैं हमारे बीच में टी सिंह जी आप हमारे निमंत्रण पर हमारे प्रार्थना पर आप हमारे सभाओं में आते रहते हैं हमें उत्साहित करते हैं और हमें ना, मार्ग निर्देशन करते हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस विषय पर अपने विचार रखें आज इस जन्म दिवस एक ऐसे युग पुरुष एक ऐसे प्रणेता के जन्म दिवस के अवसर पर हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं मैं तो सर्वप्रथम भगवान भुवन भास्कर से प्रार्थना करूँगा उनके दीर्घायु होने का मंच पे आसीन प्रोफेसर केपी पांडे साहब इस संस्थान के कुलपति प्रोफेसर शांतन जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम जी सभागार में उपस्थित विद्वत्जन आज हम सारे लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसकी आवश्यकता विगत कई वर्षों से पूरा विश्व समुदाय जो है वो मान रहा है लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ कर नहीं रहा होलिस्टिक एजुकेशन की जो परिकल्पना परम पूज्य ने जो किया है एक विशिष्ट सोच और काफ़ी गहन मंथन के बाद ये विषय वस्तु उन्होंने विश्व पटल पर रखा लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें हैप्पीनेस कम हेटनेस ज़्यादा नहीं तो ऐसा नहीं होता कि विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में इवन विद्यालय के अंदर छात्र बंदूक लेके जाता है और अकारण ही गोलियां चला देता है और अपने ही मित्रों को मार डालता है ये शिक्षा पद्धति जो हेट सिखाती है क्योंकि जो वर्तमान में एजुकेशन है उसमें एक ही कमी है कि वो मशीन और मानव के बीच में अंतर को समझने में भूल कर गई आज की जो शिक्षा है वो एक मशीनी शिक्षा है रिकैप रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस जैसा कि शिक्षा शास्त्र के महान विद्वान हैं पांडे जी शिक्षा के बारे में उनके बाद बोलना बहुत उचित भी नहीं है मैं बार बार उनको सुनता रहता हूं लेकिन ये आज जो संकट है शिक्षा में उसमें मानवीय मूल्यों का कहीं समावेश नहीं और ये संकट और बढ़ता ही जा रहा है वो हम विद्यालय स्तर पर शिक्षा के बारे में सोचे चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर सोचे चाहे हाई लर्निंग के इंस्टीट्यूट हैं उनमें सोचे जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन उतनी ही मानवता की कमी इसका एक एक मैथमेटिकल रिलेशन है आप देखिए जो हमारे आई आई एम आई आई हैं उनमें मानवता का परसेंटेज पाँच है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पंद्रह होगा आप जैसे संस्थानों में सत्तर होगा हमारे जिस संस्थान से हम और शुक्ला जी आते हैं वहाँ बीस होगा पच्चीस होगा तो ये रेशियो आप खुद भी जाके देख सकते इसलिए कि वहाँ पे जहाँ मनसिनीकरण ज़्यादा है वहाँ मानवता की कमी और जब तक मानवता की कमी नहीं होगी हम सारे प्रयास कर लें आई क्यू और ई क्यू उसका कोई अर्थ नहीं होता यदि आपके अंदर संवेदना नहीं है करुणा नहीं है और दूसरे के प्रति कुछ करने की आशा अभिलाषा और आकांक्षा नहीं ये हमारे उच्च शिक्षा के जो मानक संस्थान है वो ये नहीं सिखाते हैं क्योंकि वहाँ जो भी विद्यार्थी जाते हैं उनको प्रथम दिन से ये सिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा ग्रेड ले आओगे किन्हीं कारणों से किन्हीं विधाओं से विधा का हम नहीं करते कि तुम स्वच्छता से लाओ परिश्रम करके लाओ ये शिक्षा नहीं दी जाती ये दी जाती है कि कितना ज़्यादा ग्रेड ले आओगे उतनी बड़ी कंपनी में उतना ही बड़ा पैकेज मिलेगा और आपने इस तरह की शिक्षा का पिछले एक हफ्ते से अखबार में एक प्रकरण देखा होगा जिसमें एक बड़े ही उच्च स्तर के वैज्ञानिक ने अपने पूरे परिवार को जो रिपोर्ट आ रही है मार डाला उनके पास धन की कमी जो अखबारों की रिपोर्ट है मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं जानता लेकिन अखबारों की रिपोर्ट है उसमें देखिए उनके पास करोड़ों का बंगला है एक एक व्यक्ति एक एक कुत्ता रखा हुआ था यह भी मुझे आश्चर्यजनक लगा कि परिवार के एक एक सदस्य का एक एक कुत्ता था गाड़ियां हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं फिर किन कारणों से उस व्यक्ति ने इतना जघन्य मानसिकता कैसे उत्पन्न हुई ये सोचने का विषय है यदि मशीनीकरण नहीं होता तो ऐसा जघन्य अपराध वो व्यक्ति कर नहीं सकता क्योंकि उसके तो हृदय में कहीं भी करुणा शब्द जो है वो नहीं है यदि उसके मन में कहीं करुणा होती वो अपने व्यक्तित्व को के इनर सर्किल को पहचानता इनर स्ट्रेंथ को पहचानता तो निश्चित तौर पे कृत्य करने की क्या बात ऐसे मन में विचार भी नहीं आता तो इस तरह की जो शिक्षा है उसमें आज के संदर्भ में हॉलिस्टिक शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण विकास शिक्षा में तभी हो सकता है जब हर तरह से हम अपने को बदले जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए उसमें इंटेलिजेंस भी होना चाहिए उसमें हारमोनी भी होनी चाहिए लेकिन ये शिक्षा कहाँ से शुरू की जाए आज पांडे जी ने जैसा कहा और जैसा कि कुलपति जी हमारे मित्र रोज झेलते हैं हम भी झेलते हैं यदि हम बदलाव की बात करें शिक्षा में तो किसी को दिल्ली की तरफ मुंह देखना पड़ता है किसी को लखनऊ की तरफ देखना पड़ता है ऐसा मानो कि वहीं पे ज्ञान का दोनों केंद्र है और वहां से ही ऊर्जा आएगी तो हम लाभान्वित होंगे और तेजस्वी हो जाएंगे नई शिक्षा नीति आई है उसमें कितने मालवीय मूल्यों का आयामों की हम समावेश कर पाएंगे ये बड़ा कठिन विषय है ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि उसमें कहां से हम बुद्ध को आज के आयाम में बुद्ध की उपयोगिता के बारे में यदि कोई हम विषय चलाना चाहे तो मुझे लगता है कि कई कुलपतियों का टर्म खत्म हो जाएगा कोर्स अप्रूवल होने में और आने में तो ये एक संकट है लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हम लो बड़े आसावादी लोग बड़े आशावादी लोग हैं निराशा में विश्वास नहीं करते ऐसे छोटे छोटे आयोजन कई जगहों पे होना चाहिए और एक केवल ये जन्मदिन पे नहीं मैं तो आग्रह करूँगा कि आप कभी कभी यहाँ के और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शिक्षकों को भी आमंत्रित करके थोड़ा उसमें बुद्धत्व जगाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सेवा होगी समाज के लिए भी और इस धर्म के लिए क्योंकि आज इसकी जगह नहीं रह गई है लोग इतने उलझे हुए लोग हैं इतनी विषम परिस्थितियां हैं हम जब हम लोग जब छात्र थे तो इंटरमीडिएट तक हमने स्ट्रेस केवल फिजिक्स में पढ़ा था कि व्हाट इज स्ट्रेस और आज कक्षा चार का लड़का बोलता है कि आज बड़ा टेंशन में हूँ आज बड़ा स्ट्रेस में हूं हमने ये स, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका है कि और समय है कि आप किस तरह से लोगों को मानवीय संवेदना से जोड़े मैंने इसलिए कहा बड़े संस्थान क्योंकि बनारस में यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो पूरे के पूरे उसके मित्र जो हैं वो चले जाते हैं वार्डन साहब चले जाते हैं कुलपति चले जाते हैं एक ऐसा लगता है कि एक परिवार का व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हुई है और हम सब लोगों का सामूहिक दायित्व तो है कि हम जाएं और उसके क्षेम और जो भी कर सकते हैं करें बड़े संस्थानों में उन्होंने बोला कि वी हैव मेड दिस सिस्टम डायरेक्टर नो राइट टू गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द हॉस्टल। इट इज द ओनली रिस्पांसिबिलिटी टू द वार्डन तो एक वहां की अलग संवेदना है यहां की अलग संवेदना और इस द्वंद में नई शिक्षा नीति है लेकिन जब जब ऐसे संकट आए हैं भारतवर्ष में केवल भारत के लोगों को ही नहीं विश्व के लोगों को भी यहाँ से कोई ना कोई एक रोशनी जो है वो जागृत हुई है और लोगों को जागृत की है आज भारत से ज़्यादा मुझे लगता है कि अन्य देशों में इस बात की चर्चा है कि एजुकेशन के अंदर स्पिरिचुअलिटी का वो अंग कैसे माना जाए उसको कैसे आगे समाहित किया जाए क्योंकि ये प्रकृति के करीब है मानव के जो आचरण व्यवहार विचार है उसके काफी करीब है और यही हमारी पहचान है परम पूज्य ने किन विषयों पे नहीं बोला मुझे ये आज तक पता नहीं चला कि कोई ऐसा क्षेत्र है मानवता के विकास के लिए प्रकृति की रक्षा के लिए जिस पे उनके न अपने विचार न रखे हों आज आपने देखा होगा कि विश्व का एक देश है उसने अपने यहाँ ग्रेजुएशन में एक शर्त रखी है और वो कोर्स कैरिकुलम है कि यदि आप पूरे ग्रेजुएशन में तब तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक तीन पेड़ लगा करके उसको जिंदा दिखा नहीं देंगे कि ये सरवाइव कर रहा है तब तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ये, ये, ये स्पिरिचुअलिटी है क्योंकि प्रकृति प्रेम हमारे सर्वाइवल का जो रीजन है हम कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं तो वातावरण जिसमें कि मानवीय वातावरण हमारे आंतरिक वातावरण और जो सामाजिक वातावरण है इनमें सारे में परिवर्तन के लिए एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो आदमी के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करे उसको उसके अंदर करुणा हो उसके अंदर एक अलग सोचने की सामर्थ्य हो तब जाकर के हम एक नए समाज का जिसको कि लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स हम बढ़ा सकेंगे विश्व का यदि हम परम पूज्य के बताए गए हॉलिस्टिक एजुकेशन जिसमें कि सभी हो ऐसा नहीं है कि केवल एस क्यू से ही चलेगा सभी का सम्मिश्रण हो और एक संतुलन हो उसके आधार पे ही मानव का विकास हो सकता है मानवीय मूल्यों का विकास हो सकता है और इसके लिए कई और इस तरह की गोष्ठियाँ हो ऐसी मेरी कामना है अंत में मैं आप सारे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः परम पूज्य के दीर्घायु होने की स्वस्थ रहने की कामना करते हुए आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम मैं हमारे काशी विद्यापीठ के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर टी एन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुनी 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 सुनाई बातों को महत्व ना दे करके या जो पहले से चली आ रही है परंपरा या शास्त्रों में जो कहा कही गई है उसको महत्व न दे करके अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अनुभव के धरातल पर जो आपने अनुभव किया जाना देखा उन बातों को यहाँ रखा मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने महाकाश्यप जी से भेंट हुई और उनसे काश्यप जी ने उनसे कहा कि आप हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो कहिए क्या पूछना चाहते हैं भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध दुख होता है तो उनका हाँ दुख होता है कहा कि तब तो, तो दुख का निवारण कारण भी होता है कहाँ दुख का कारण भी होता है तो दुख का निवारण भी होगा उस कारण का निवारण भी होगा तो उनका हाँ तब तो काश्यप जी ने कहा कि भगवान आप जो हैं सुनी सुनाई बातें नहीं कहते हैं शास्त्रों की बात नहीं करते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर बातें करते हैं तो यही बात मुझे अभी लगी और आपने जो उदाहरण दिए वर्तमान अभी जो समय में चल रहा है उन सब पर को लेते हुए उसकी जो कठिनाइयाँ हैं उन सब पर आपने अपने अनुभव को यहाँ उतारा बहुत बहुत धन्यवाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ प्रोफेसर हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे आ, परम सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी जो हमारे यहाँ अक्सर पधारते रहते हैं और हमारे हर सभा में विभूषित भुश, विभूषित करते हैं स्वभामान करते हैं और बहुत ही अपने ज्ञानपूर्वक वक, वक, वक्तव्यों से हमें लाभान्वित करते हैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना विचार हर सदाशिवसमाररंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम्परा सर्वप्रथम सर्विद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ यहाँ उपस्थित समस्त भिक्षुवृंदों के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए मंचस्थ विद्वत्गण विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे विद्वत्गण सम्मान्य महानुभाव एवं प्रिय छात्रों आज परम पावन का प्राकट्य महोत्सव है इस अवसर पर यहाँ उपस्थित समस्त मित्रगणों को मैं शुभकामनाएं एवं वर्धापन देता हूँ मैं इसे प्राकट्य दिन मानता हूँ गीता में कहा गया है यद्यत विभूति यद्य मेवा, तत्तदेवा तत्वावगछत्व मम तेजोश संभव जो इस संसार में विभूतियाँ हैं जो विलक्षण प्राणी हैं जो जन सामान्य से ऊपर हैं वो भगवान के अंश का अवतार होता है और यह परम पावन एक अवतारी पुरुष हैं इसलिए मैं उनके दीर्घायु होने की स्वस्थ होने की कामना नहीं करता हूँ मैं केवल बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका वरदहस्त उनकी कृपा उनकी करुणा विश्व समाज पर अनंत काल तक पड़ती रहे विश्व का विश्व समाज उससे उपकृत होता रहे उनके प्रदर्शित किए हुए मार्ग पर चलते हुए विश्व समाज शांति सौमनस्य करुणा मुदिता आदि का अनुभव करें और विश्व का कल्याण होता रहे क्योंकि ऐसे महापुरुषों का अवतार विश्व कल्याण के लिए ही होता है भवो ही लोकाभ्युदयाय तादृशम ऐसे व्यक्तियों का भव अर्थात आविर्भाव यह उत्पत्ति नहीं है क्योंकि महापुरुष किसी प्रयोजन विशेष से किसी खास उद्देश्य से अवतार लेते हैं और वह उद्देश्य पूर्ण हो जाने के बाद उस इस नश्वर शरीर को छोड़ करके वे अपने स्थान में चले जाते हैं तो ये अवतार है और भवो ही लोकाभ्युदया एतादशाम प्रत्येक अवतार का एकमात्र प्रयोजन होता है लोक कल्याण और इसी कल्याण के लिए परमपावन ने और उनके जैसे जितने भी महापुरुष या भगवान भगवदंश सम्भूत जितने भी हैं सब ने अवतार लिया और एकमात्र कार्य किया लोक का कल्याण विधाएं अलग अलग थीं पावन ने शिक्षा का माध्यम अपनाया उपदेश का माध्यम अपनाया और उपदेश केवल व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं था केवल मनुष्य के लिए नहीं था मात्र की उद्धार की कामना से ये उपदेश था उद्देश्यता तो कीट आदि नाम भी कीट पतंग जो छोटे छोटे प्राणी हैं उनका भी उद्धार हो उनका भी अहित न हो उनका भी कल्याण हो इस भावना से ऐसे पुरुष अवतार लेते हैं आज हम उनके इस प्राकट्य दिवस पर को हम जैसा कि संयोजक महोदय ने कहा और जिन्होंने स्वागत किया था आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम केक काट करके कुछ पूजा करके दीप जला करके भी यह कार्य कर सकते थे कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी कर सकते थे लेकिन हमारे संस्थान ने यह संकल्प लिया कि उनके प्राकट्य दिवस को हम एक गोष्ठी के रूप में एक चर्चा सत्र के रूप में आयोजित करें और इससे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी मैं अपनी ओर से पुनः इस विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति महोदय को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह का वो आयोजन उन्होंने संकल्पना की और हम लोग को उसके लिए अवसर दिया जहाँ तक समग्र शिक्षा की परचिंतन की बात है हमसे पूर्व मुझसे अधिक विज्ञ लोगों ने इस पर अपना मंतव्य दे दिया था मेरा केवल यही मानना है कि शिक्षा जब तक संस्कृति से नहीं जुड़ेगी तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकती आज हमारे देश की जो व्यवस्था है शिक्षा मंत्रालय अलग है और संस्कृति मंत्रालय अलग है संस्कृति की बात कोई और करता है शिक्षा की बात और कोई और करता है उन्हें जुटना होगा एक साथ जुटना होगा भारतीय उस शिक्षा में अपनी संस्कृति झलक झलके ऐसी शिक्षा व्यवस्था कल की कल्पना करनी पड़ेगी आज हमने नई शिक्षा की पर बहुत चर्चा कर रहे हैं एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट आया हुआ है मुझे मालूम नहीं आपने पढ़ा कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ पाया था क्योंकि इतना मोटा साठ सत्तर पेज का वो है गीता और रामचरित मानस पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है किसने ड्राफ्ट किया बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है अंदर क्या है मुझे अभी बहुत मालूम नहीं है लेकिन निश्चित रूप से विद्वानों ने बहुत कुछ सोचा होगा सोचा होगा कि भारतीय संस्कृति झलके ऐसी भारतीय शिक्षा नीति बने भारत विश्व गुरु बने ऐसी भारतीय शिक्षा नीति बने उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आचार्य की क्या आवश्यकता हो सकती है परम पावन की क्या उपयोगिता है आज हम एक दावा करते हैं कि सारा का सारा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान आपके कंप्यूटर पर है आपके मोबाइल पर है ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था हो गई है आचार्य की आवश्यकता अंत्यवासिनम उपशास्ती है समीप पर अंत्यवासी का मतलब होता है समीप पर बैठने वाला गुरु शिष्य आचार्य और अंत्य शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए ये डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं हो सकता है ये गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई इस पद्धति से हो सकता है गुरुकुल पद्धति से हो सकता है गुरु के पास जाकर हो सकता है क्योंकि गुरु केवल सूचनाएं नहीं देता है काव्यानि कवय निवचना ये जो ज्ञान है अपने आप का में विद्यमान जो ज्ञान है वह शिष्य पर वह आधारित करता है ट्रांसफर करता है और यह तभी हो सकता है जब वह अंत्येवासी होता है या नदमद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि आप दीक्षांत महोत्सव में यह उपदेश कुलपति देता है कि हमारे जो अच्छे कार्य हैं उसे आप ले लो हमारे अच्छे कार्य हैं ये आप कैसे जान सकते हैं जब तक आप हमारे साथ नहीं रह सकते रहते हैं आप दिल्ली में रह करके हमारे एक घंटे के क्लास को तो सुन सकते हैं उस क्लास में हम बहुत अच्छी अच्छी नीति की बातें करते हैं हम बुद्ध के वचनों को पढ़ा देते हैं लेकिन क्या हम बुद्ध के वचनों का अनुसरण करते हैं हम क्या गीता के सारार्थ का अनुसरण करते हैं यह तभी शिष्य जान सकता है जब वह अंतेवासी हो समीप बैठे इस शिक्षा को पुनरुज्जीवित करना होगा अभी अभी आचार्य जी बता रहे थे कि चौथा वर्ष विश्व कप अगर विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित तलवार और पत्थर से होगा सारे बंदूकें और सारे तोपे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि एक बदल आ रहा है आज विश्व समाज सोच रहा है कि हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमसे छूट रहा है हमें फिर से रिविजिट करना होगा पीछे देखना होगा हम क्या छोड़ कर आ गए हैं एक कहावत कही गई है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन किसी विद्वान ने कहा है कि इलिट्रेट्स ऑफ टुमारो नॉट आर दोस हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट आर दोस हु डोंट वांट टू लर्न अनलर्न एंड रीलर्न आज लिखना पढ़ना तो सबको आ गया है अब इलिटरेट कोई निरक्षर कोई बचता नहीं है लेकिन निरक्षर हमें किससे मानना पड़ेगा जो सीखना नहीं चाहता है सीखे हुए को सजो कर रखना चाहता है अनलर्निंग का सिस्टम हमारी भारतीय संस्कृति में अनंत काल से है हमने जो पढ़ा है वो भूल जाना यह नहीं है जिसकी उपयोगिता हमें नहीं है या इस समय नहीं है ये दो बातें हमें देखनी पड़ेगी बहुत से ऐसी ज्ञान राशि होती है जिसकी आज हमें उपयोगिता नहीं है लेकिन भविष्य में उसकी उपयोगिता हो सकती है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनकी हमें उपयोगिता नहीं है उसे अनलर्न करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये जो मस्तिष्क है उसमें भी एक चिप है जैसे हमारे मोबाइल में है आपकी हमारे मोबाइल में बहुत सी सूचनाएं आते रहते हैं बहुत से इंफॉर्मेशन आते रहते हैं अगर हम उसे डिलीट ना करते रहें तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि वो भर जाएगा और ऐसी महत्व कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचना जो हमें अत्यंत अपेक्षित है उसे रखने के लिए स्थान नहीं रह, रह जाएगा इसलिए अनलर्निंग और उसके बाद रीलर्निंग की भी आवश्यकता है हमें आगे बढ़ते रहना है यही वस्तुतः परंपरा है लोग परंपरा का शब्द का उपहास करते हैं लेकिन परंपरा के शब्द पर वास्तविक अर्थ शब्द के वास्तविक अर्थ को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि यह गतिशीलता जो है पर से पर तक पनम परा पर से पर तक जाने की जो यह प्रक्रिया है यह प्रक, परम्परा है और यह प्रक्रिया गतिशीलता का पर्याय है इसमें जड़ता नहीं है जड़ पानी अगर पानी स्थिर हो जाए तो उसमें मलिनता आ जाती है काई जम जाती है प्रवहमान जल राशि में कभी भी गंदगी नहीं होती है इसलिए प्रवहमानता ही हमारी पर्याय है परंपरा का और यही इसी परंपरा को हमारे शास्त्रकारों ने जिया है हमारे शास्त्रकारों ने कभी भी इदम इत्थम कह करके आखिरी निर्णय नहीं दिया लेकिन यद्यपि वो आखिरी निर्णय है लेकिन उस पर सोचने की हमेशा गुंजाइश रखी है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना उपदेश दिया अट्ठारों अध्याय बता दिए क्या सही है क्या गलत है सब कुछ बता दिया लेकिन कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कभी भी ये आदेशित नहीं किया कि तुम ये करो छूट दे दी विमृश एक तशेषेण यथे तथा करो हमने विवेक तुम्हें दिया है सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडाधि है इसीलिए उसे पंडित कहा जाता है जो क्या सत्य है क्या असत है क्या अच्छा है क्या बुरा है यह बताने का कार्य केवल गुरु करता है उसके बाद उस पर चलना आपकी इच्छा पर है यथेच्छा से तथा गुरु आप उस पर चले लक्ष्य तक पहुंचना हमारा अपना दायित्व है गुरु कभी भी हाथ पकड़ा करके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है केवल मार्ग दिखाता है और वो भी बने बनाए मार्ग है बने बनाए मार्ग का केवल प्रकाशन करता है क्योंकि वह घनच्छन्न दृष्टि ही घनच्छन्न मरकम हमें हमारे आज बादल है सूर्य ढक गया है हमें लगता है कि सूर्य नहीं है हम अपने आँख के सामने हाथ रख देते हैं और लगता है कि आज सूर्योदय नहीं हुआ है चंद्रोदय नहीं हुआ है हम घनचन्न दृष्टि हैं हम मान लेते हैं कि सूर्य डूब गया है सूर्य को ढकने का सामर्थ्य मेघ में नहीं है मेघ तो हमारी दृष्टि को ढकता है ये हमारी जो अपनी शास्त्र परंपरा है उसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अविद्या के माध्यम से विद्या तक पहुँचे अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतमश्नुते हम कभी भी हमारे शास्त्रकारों ने कभी भी लौकिक सत्ता का तिरस्कार नहीं किया है निराकरण नहीं किया है उसे स्वीकार करते हुए परम सत्ता तक जाने की बात कही है एक क्रम बताया भृगुरई वारुणही गुरुम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्म भृगुली में एक अत्यंत रमणीय प्रक्रिया आती है संवाद आता है हमारी ये संवाद की प्रक्रिया ही हमारे शास्त्र को आगे ले जाती है पिता को पुत्र पूछता है कि हम ऐसी वस्तु को जानना चाहते हैं जिसको जान लेने के बाद मुझे कोई ज्ञातव्य बचा न रह जाए हमें भगवान बुद्ध ने या किसी भी आचार्य ने सर्वज्ञता तक पहुंचाने की एक परिकल्पना दी है हमें सर्वज्ञ बनना है सर्वज्ञ सुगतो बुद्ध और इसलिए मंगलाचरण में भी कहते हैं कि जयंती जातिव्यसन प्रबंध प्रसूति हेतो जगतो विजेतु तो रागाद्य रात सुगत से वाचा मनस्तमस्ता नव वा माधराना हमारे जो चित्त पर अविद्या रूपी आवरण छपा हो, लगा हुआ है उसे दूर करना यही आचार्यों के वाणी का मुख्य उद्देश्य होता है और वह सर्वज्ञता तक पहुँचाता है हमें तो पुत्र, पुत्र पूछता है हम ऐसा क्या जान लें जिसको जान लेने के बाद कुछ ज्ञातव्य हमारे लिए बचा न रह जाए और आचार्य का बहुत सी बातें बताते हैं कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्म ब्रह्म का अध्ययन करो आत्मा का अनुशीलन करो वह तप करता है कुछ तप करके जाग करके समझ कर आता है कि अन्नम ब्रह्मे दिव्य जाना सब कुछ अन्न है फिर मनोब्रह्मेति की प्राणम प्राण विजाना इसी क्रम से कुछ कुछ जानते 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 बार बार गुरु कहता है कि नहीं अभी तुम अपूर्ण हो तुम जाओ फिर से तप करो और अंत में आनंदो ब्रह्मेति तिव्यजानात आनंद ही ब्रह्म है आनंद अर्थात स्वस्वरूप अंत में उपदेश देता है तत्त्वमसि यही तुम हो तुम जो जानना चाहते हो वह अपने आप को जानो स्वयं को जानने के उपदेश से हम सर्वज्ञता की प्राप्ति कर सकते हैं यहाँ इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे प्राचीन आचार्य ने दी है ऐसा यह संस्थान तिब्बत विश्वविद्यालय या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इन दोनों के स्थापना का ही उद्देश्य यह था कि इस प्रकार की शिक्षा शिक्षा जो सर्वज्ञता तक पहुँचाए जो पूर्णता तक पहुँचाए उसमें बहुत बदलाव की जरूरत नहीं होती हमें बुद्ध के वचनों को यथातथ पढ़ना है गीता के वचनों को यथात पढ़ना है केवल अंतर क्या करना है इंटरप्रटेशन उसके प्रतिपादन की तरीका बदल देना है जो आधुनिक समाज बदलते हुए समाज को भी समझ में आए इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं होती है सुधार वहाँ अपेक्षित होता है जहाँ कुछ बिगड़ा हो इस हाल में हम क्या सुधार करेंगे बहुत अच्छा हाल है हम बहुत कुछ करेंगे तो सामने दो तीन एसी और लगा देंगे ये सुधार नहीं है ये विकास है तो हमें यह देखना है कि जो संस्थान बहुत अच्छी पीड़ा व्यक्त की थी हमारे दोनों कुलपति महाभागों ने विश्वविद्यालयों की उसे सोचना है हमें हमें कभी भी पीड़ा अपने छात्रों अध्यापकों और कर्मचारियों से नहीं होती वो जिंदाबाद करते हैं मुर्दाबाद करते हैं दो तीन बार मुर्दाबाद करते हैं तो एक बार जिंदाबाद भी कर ही देते हैं अच्छा लगता है वो हमारे लोग हैं उन वो हमारे दुख सुख में बहुत काम आते हैं हमने कुलपति बनने के बाद यह अनुभव किया कि वो बहुत दुख सुख में काम आते हैं संस्था के हित में काम आते हैं संस्था के दुख सुख में बहुत काम आते हैं हमें पीड़ा होती है व्यवस्था से हमारे ऊपर जो आरोपित व्यवस्था है हमारे ऊपर जो बंधन है ऐसा ही करो ऐसा मत करो ऐसा करो करते करते वहाँ तक पहुँचेगा अरे रुक जाओ अब मत करो अब दूसरे ढंग से करो ये ये जो अव्यवस्था है वो हमें कष्ट पहुंचाती है हम अच्छे कार्य भी कर रहे हैं बुरे कार्य होते हैं अच्छे कार्य किए जाते हैं बुरे कार्य हो जाते हैं कष्ट यही है कि बुरे कार्य आपके सामने तक आ जाते हैं क्योंकि आप अखबारों से हमारी संस्था का तुलना मूल्यांकन करते हैं पास में आकर देखें बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से शास्त्राध्ययन हो रहा है अपने उद्देश्य की पूर्ति में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है शनि शनि अग्रसर हो रहा है पूर्णता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं हमारे संस्थान बस आप वरिष्ठ लोग हैं जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं जिन्हें लगता है कि कुलपति लोग हमारे निर्देश के अनुसार पालन करें उन्हें थोड़ा समझाएं, इटोनॉमी दें हमें अपने ढंग से विश्वविद्यालय चलाने की अनुमति मिले निश्चित रूप से हम संस्था को आगे ले जाएंगे और जिस उद्देश्य से संस्थाओं का उन्हीं महर्षियों ने आचार्यों ने कल्पना की थी उस संस्था के उद्देश्यों को पूर्त, पूर्ति करेंगे हमें अच्छा लगता है हमें खुशी भी होती है कि हम ऐसे संस्थानों से जुड़े हैं जहाँ ऋषि महर्षियों ने तपस्या की है एक एक कण तपपूत है एक एक आप देखेंगे हमारे विश्वविद्यालय कभी आकर देखेंगे पूरा हरा भरा रहता है किसी पेड़ में कभी भी पानी नहीं डाला जाता है क्योंकि पानी डालने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास लेकिन कभी भी सूखता नहीं कोई पेड़ नहीं सूखता है क्योंकि वो ऋषियों की तपह तपोवृष्टि से सींचा जाता है एक एक कण में तपस्या भरी है देखने का नज़रिया होना चाहिए आप बहुत अच्छा कुर्ता पहनकर मैंने ज्वाइन किया था नया नया खरीदा था कुलपति पद का ज्वाइन करना था बहुतों ने उस कुर्ते की प्रशंसा की एक व्यक्ति ऐसा भी मिल गया अरे डॉक्टर साहब पीछे वाले इस पर एक काला सा धब्बा लगा हुआ है वो पता नहीं कैसे दिख गया उन्हें अब वो दृष्टि थी ऐसी दृष्टि भगवान हमें न दे हम अच्छी चीज़ों को लें समाज को भी यह सोचना चाहिए कि जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे सम्मुख लाएँ जो कुछ बुरा हो रहा है उसे चुपचाप हमें संकेत करें और बताएं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है इसी में आप समाज की वरिष्ठता है समाज की श्रद्धेयता है हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं आज तीन क्यू की बात हुई मेरा अपना मंतव्य है कि एस क्यू अगर हो जाए तो सारे क्यूज उसमें समाहित हैं बिना एस क्यू के अन्य क्यूज़ किसी भी एसक्यूज़ के लायक नहीं हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी आपने अपने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य से अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित किया हम लोग आपके आभारी हैं आपने अंतेवासी की बड़ी आ, बहुत अच्छी व्याख्या की अविद्या से विद्या की ओर कैसे पहुंचा जा सकता है कैसे जाया जा सकता है परम पावन लामा जी का एक वक्तव्य मैं यहाँ आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आज उनका जन्मदिन है वेयर देयर इज इग्नोरेंस इज our master. There is no possibility for real peace. अभी अभी उनका एक वक्तव्य निकला था मैंने उसको नोट कर लिया था तो मैंने हिंदी में भी उसका अनुवाद किया कि जहाँ अविद्या हमारा स्वामी है हम अविद्या से ग्रसित हैं तो फिर हमें परम शांति की संभावना वहाँ नहीं हो सकती हमारे लिए और आपने गुरु के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि पंडित होना चाहिए पंडित कैसा होना चाहिए इस पर भी आपने भगवत गीता का श्लोक सुनाया मैं भी आचार्य नागार्जुन जी का एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ हम लोग को आपके अतिश हॉल के बाहर लगा हुआ है शायद आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा हजारों बार निकले होंगे इसके लेकिन पढ़ा नहीं होगा ध्यान देने की बात तो दूर रही लेकिन मैंने पढ़ा मैंने उसको कंठस्थ भी किया काय वांग मानसम कर्म सर्व सम्यक परीक्षा यह परात्महित आज्ञाया सदा कुरिया स पंडित तो ये है अपने काय वाक और मन के जो कर्म हैं उनको अच्छी तरह से परीक्षण करके अपने स्व और पर के हित के लिए जो करता है वो पंडित है आपने बहुत गंभीर और बहुत ही एक पूर्णता मतलब कि अज्ञानता से ज्ञान की और फिर अपूर्णता से पूर्ण की ओर अविद्या से विद्या की ओर किस तरह अग्रसर हो सकते हैं या आपने भगवत गीता से भी आपने उदाहरण दिए बहुत अच्छा अच्छा लगा हम हम सभा के एक इस सभा के जो हमारा जो विद्वत्तापूर्ण सभा है उस सभा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं जिसमें अध्यक्षी भाषण जो आप कहते हैं हमारे यहाँ आज इस सभा में कोई अध्यक्ष नहीं है क्योंकि और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में चार चार कुलपति एक भूतपूर्व कुलपति केवल काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं पधार पाए हैं क्योंकि शायद आज मोदी जी का वाराणसी आगमन हो रहा है काशी आगमन हाँ इसलिए नहीं पधार पाए हैं अन्यथा हम लोगों को और भी अच्छा लगता कि आज के इस जन हमारे यहाँ अक्सर इस प्रकार जब मंच पर चार चार कुलपति महोदय स्वभायमान होते हैं तो मुझे अब अपने आप में संचालन करने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यवान समझता हूँ और आज का दिन तो ऐसा है कि जिसको जिससे मैं अपनी खुशी का इज़हार नहीं कर पा रहा हूँ हम लोग के सामने शायद मेरे पास शब्द नहीं है मेरे पास वक्त भी नहीं है मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि हमारे बीच में और भी एक विद्वान वक्ता हमारे कुलपति जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं प्रोफेसर हैं गेशे जी भी हैं और पद्मश्री प्राप्त भी हैं तो अंतरराष्ट्रीय आज के जो वैज्ञानिक युग में जो संवाद चल रहा है महान बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म दर्शन का उसमें भी आपकी बहुत ही सक्रियता है तो मैं उनके विचारों से लाभान्वित होने के लिए आप और उनके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको सादर पूर्वक उनको आ, मंच पर आहूत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने विचारों को रखें सर्वदृष्टि प्रहणाय सदर्म अध अनुकम्पा उपाध्याय तम गौतम नमामी आज की इस बहुत ही एक पुण्यमय दिवस और इस सिंपोजियम के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रोफेसर टी सिंह साहब काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पांडे जी काशी विद्यापीठ के भूतपूर्व वाइस चांसलर और प्रोफेसर आ, भंदे आ, सुमेध थेरो जी तथा फिर हमारे यहाँ के भिक्षुगण और विभिन्न विश्वविद्यालय और संगठन से आए हुए विद्वतगण तथा सारनाथ के विभिन्न मंदिरों से आए हुए भिक्षुगण और आपके प्रतिनिधिगण और अपने यहाँ के अध्यापक वृंद कर्मचारीगण तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस पर हम लोगों ने शिक्षा पर चर्चा करने के लिए निर्णय लिया और वो भी होलिस्टिक एजुकेशन सर्वांगीण अर्थात समग्र शिक्षा पर ये पावन दल लामा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में हम कह सकते हैं क्योंकि प्रारंभ से लेकर के एजुकेशन कैसे हों उनका विचार बहुत ही युवा अवस्था से ही स्पष्ट था कि एजुकेशन मात्र सूचना परक नहीं होना चाहिए अभी तो व्यक्तित्व तो विकास के लिए होना चाहिए तो इससे प्रकट खो के और मूलभूत आधार और एक ही जिस वातावरण में उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि संपूर्ण जगत में एक अशांति का वातावरण फैला हुआ है और ये दिनों दिन बढ़ते रहता है और फिर इसी क्रम में और इसी परिप्रेक्ष्य में परम पावन जी ने एक विश्व शांति के प्रमोशन के लिए बहुत ही एक उन्होंने अपना ये आंदोलन के रूप में ले लिया और उसी के चलते फिर एजुकेशन भी आता है इंटरेक्शन विद साइंट साइंटिस्ट भी आता है और फिर वर्ल्ड रिलीजियस हार्मनी भी आता है पूरे जगत में पूरे विश्व में अशांति कैसे कम किया जाए इसे इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और उसे मुक्त कैसे हो अब इसको देखने के लिए हम किसी समझौता या कुछ फिर एग्रीमेंट्स आदि करके नहीं किया जा सकता है यू से कुछ रेजोल्यूशन पास करके नहीं किया जा सकता है लेकिन कैसे किया जा सकता है लोगों को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करके और इस शिक्षा के माध्यम में फिर एक संपूर्ण मानसिक वैयक्तिक परिवर्तन अपेक्षित है और वो शिक्षा में लाना है जब तक हम शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं किया जा सकता है वो नहीं लाया जा सकता है आज के आधुनिक शिक्षा जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक सामने रखा और आज मैं समझता हूँ कि ये सिम्पोजियम वास्तव में एक मीनिंगफुल सिम्पोजियम रहा और इससे काफ़ी विद्वत्तापूर्ण विचार भी सामने रखा गया और आया और फिर हमारे वर्तमान शैक्षणिक के जगत में क्या समस्याएं हैं वो भी सामने आए और किस तरह से इसके इसका समाधान किया जा सकता है उसका भी उसके बारे में भी कुछ मुद्दा और फिर कुछ दिशाएं हमारे सामने रखा गया मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल्पोजियम रहा तो इस प्रक्रिया में परम्पावंत दलेलमा जी का यदि हमें अच्छी ढंग से विश्व में वास्तव में शांति लाना हो तो शिक्षा में शांति लाना है और वो शिक्षा की जो एक व्यवस्था है उसमें एक ऐसे व्यवस्था लानी चाहिए जो सर्व के लिए सर्वमान्य हो, सर्व स्वी सब सबके लिए स्वीकार्य हो तो सबके लिए स्वीकार्य किसी धर्म विशेष की बात की जाए तो सबके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है और फिर भी जो धर्म के प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं किसी धर्म के प्रति उनके श्रद्धा नहीं रख रखते हैं तो उनके लिए फिर स्वीकार्य नहीं होता है तब फिर कैसे किया जाए जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा किसी ने कि पावन जी के जो शिक्षा का नीति है और ये एक एथिक्स बेस्ड शिक्षा नीति है एथिक्स नैतिकता बेस्ड शिक्षा नैतिकता पर आधारित शिक्षा नीति हैं जो सभी के लिए स्वीकार्य हों सभी के लिए मान्य हों क्योंकि ये एक मानने के लिए हम प्रेरित करने की बात नहीं है जो मानने के लिए हम तथ्य सामने रखा जाते हैं रखते हैं वो सर्वमान्य स्वतः हो वस्तुगत विषय के दृष्टि से वो सर्वमान्य हो वो दो चीज़ पर आधारित है एक कॉमन सेंस पर और एक यूनिवर्सल रियलिटी पर अब ये किसी भी यदि हम किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल रियलिटी के आधार पर और फिर कॉमन सेंस के आधार पर लोगों के सामने रखते हैं तो वो सभी धर्म धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए भी स्वीकार्य होते हैं और क्योंकि सभी धार्मिक व्यवस्थाओं में यही बात तो कहते आ रहे हैं और ये बात जब हम एक धार्मिक मखावटा पहनाते हैं तब बहुत लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं यद्यपि उसमें अमृत छिपा हुआ रहता है तो उन उस अमृत कलश को बाहर रख करके के आज के वैज्ञानिक के जो परीक्षा है उससे परीक्षित होकर के एक नया भाषा के रूप में नया भाषा के साथ लोगों के सामने रखा जाता है तब सबके लिए स्वीकार्य होता है जब पहले ध्यान करना मेडिटेशन करना करुणा पर ध्यान करना मैत्री पर ध्यान करना ये लोग कहते हैं सुनते ही कहते हैं दिस इज़ अ रिलीजियस मैटर ये आपके अपने पास रखिए ये रिलीजियस मैटर है अब ऐसे समय पहुंच गए हैं कि मेडिटेशन एक सेक्युलर चीज बन गए हैं करुणा और मैत्री कंपैशन डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन कल्टीवेशन ऑफ कंपैशन कल्टीवेशन ऑफ लविंग काइंडनेस ये एक वास्तव में मानव मूल्य बन गए हैं वो सर्वमान्य सबके लिए स्वीकार्य हैं सबके लिए ज़रूरत है और इसके बगैर फिर ये सुखी और शांति होना शांत होना संभव नहीं है अब ये वैज्ञानिक के परीक्षा के माध्यम से लोगों के सामने रखा जा चुका है और ये एक तथ्य ऐसे बन गए हैं कि लोग शिक्षा नीति के रूप में लोगों के सामने रख रहे हैं शिक्षा नीति के रूप में शिक्षा नीति में अपना रहे हैं और इसके फलस्वरूप हजारों स्कूलों के व्यवस्थाओं में ये समावेश किया जा चुका है और इसके माध्यम से बच्चे छोटे छोटे बच्चे सात आठ वर्ष से लेकर के वहीं से प्रारंभ करके जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं तो बच्चे बहुत ही अच्छी ढंग से एडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि बच्चे के मन सच्चे होते हैं तो वो अनकटामिनेटेड होते हैं तो वो स्वीकार करने में एडेप्टेसन की एबिलिटी बहुत अच्छी रहती हैं तो वहाँ से जब कक्षा कक्षा एक दो से लेकर के यहाँ तक के केजी के केजी से लेकर के जब प्रारंभ किया जाता है तब ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के आधार पर ये प्राप्त किया गया है कि वहाँ से लेकर के छात्र एडोप्ट कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं अनायास और फिर वो अपने जीवन में उतारते हैं और उतार करके फिर वही व्यवहार अपने समाज में बच्चों के समाज में अपने मित्रों के बीच में वो व्यवहारित होते हैं और वो उससे परिवर्तन आता है अपने व्यवहार में पर, परिवर्तन आता है तो ये एक ऐसे चीज़ है जो आज हमारे आधुनिक शिक्षा की प्रणाली में ये पूरी तरह से लुप्त है ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षा में भी बहुत सारे गुण हैं इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए लेकिन व्यवस्था की हमें एक उसमें सुधार लाना चाहिए व्यवस्था में हमारे शिक्षा सर्वांगीण हो जिसमें आधुनिक के शिक्षा में जिस तरह के एक मेटोरियलिस्टिक के अकाउंट दिया गया है हमारे सामने टू प्लस टू फोर और इस तरह के अनेक पर केमिस्ट्री में बायोलॉजी में ये मैनेजमेंट में हर हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो सारे प्रशंसनीय हैं और साइंस के डेवलपमेंट के आधार पर ही हम अभी ये माइक के माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँच सकते हैं और एरोप्लेन के माध्यम से चार घंटे में बहुत दूर तक हम पहुँच सकते हैं और हम हर लोगों के सामने ये हाथ में मोबाइल है जो क्षण में दूसरे देश के और संपूर्ण देश के समाचार हम सुन सकते हैं और हम बातें भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें उसकी उपलब्धि है और इसकी निंदा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मिले हुए हैं लेकिन इसके साथ साथ व्यक्तित्व तो निर्माण भी इसके इस शिक्षा व्यवस्था में आ जाएँ तो फिर चार, चार चांद लग जाते हैं अगर हम बिल्कुल गुफा में बैठ जाएँ व्यक्तित्व तो विकास पूरी कर लें और फिर इस तरह के मेटेरियलिस्टिक के डेवलपमेंट न भी हों तो फिर एक सामाजिक विकास मेटीरियल विकास का जहाँ तक सवाल है वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है लेकिन एक्सट्रीम तक जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें अंकुश तभी हम लगा सकते हैं बैलेंस तभी हम लगा सकते हैं बैलेंस बनाए तभी हम बनाने के लिए आ, सक्षम होंगे जब हमारे पास दोनों और जो है वो सक्षम रूप से हमारे पास व्यवस्थित हों आभ्यंतरिक रूप से और फिर ये बाहरी दोनों मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों की तरफ से आ, हमारे पास एक आ, सक्षम और संपूर्णता हो तभी जा के हम इसका बैलेंस बैठा सकते हैं इसलिए हिसोलिनस कहते हैं कि आजकल जो एक ये फिजिकल हाइजीन की बात की जाती है तो इसके साथ साथ फिज़िकल हाइजीन से भी आवश्यक है मेंटल हाइजीन तो मेंटल हाइजीन को लेकर के आज चिंता होनी चाहिए हम लोग चिंतन करना चाहिए मेंटल हाइजीन को लेकर के कैसे हम एक मेंटल mental, मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं तो उससे शरीर पर हमारे प्रभाव पड़ता है और शरीर के साथ साथ हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है तो इसलिए बहुत ही अपने चित्त व्यवस्था को चित्त वृत्ति को संयम में रखना उसको विकास करना अत्यंत आवश्यक है इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो परम्मा दलियाल में सामने रखते हैं वो है चित्त का विकास यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था चित्त को सूचना देना मात्र तक सीमित रहा तब ये अपूर्ण है चित्त को विकास करने के की प्रक्रिया पर हम ये चलते हैं और उसे व्यवहारित करते हैं तब जा कर के वहाँ एक दोनों आयामों से संपूर्ण संपन्न एक शिक्षा व्यवस्था होगी व्यक्तिगत दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हम यहाँ अध्यापक हैं विद्वान हैं भिक्षुलोक हैं और छात्रोक हैं हमें प्रतिदिन देखना चाहिए कि क्या हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है हमें केवल सूचना प्राप्त होना तक ही सीमित रखना चाहिए या फिर हमारे चित्त विकास के तरह हमें हमारे प्रयास होना चाहिए तो चित्त विकास के बगैर यदि हम जितना भी सूचना प्राप्त करते जाएं तो वो चित्त विकास के के लिए फिर उपयोगी नहीं होगा और चित्त विकास जब तक नहीं होगा हमारे शांति प्राप्ति के लिए कोई व्यवस्था और कोई उपयोगी नहीं होगा हमारे चाहे शिक्षा हो या साधना हो यदि हमारी साधना कोई कर्म कांड तक सीमित है और चित्त विकास के लिए कुछ उपयोगिता नहीं होती है तो वहाँ फिर हमारे जो साधना है वो भी अपूर्ण है इसलिए साधना पर में और ये आ, आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हिसअलिन ने स्पिरिचुअलिटी और फिर एथिक्स पर एक उनका परिभाषा है अब वो मैं ना यहाँ वो ज़िक्र करना चाहता हूँ वो उसे आगे काफ़ी खींच जाएगा स्पिरिचुअलिटी हमारे जो एक के चित्त की बैलेंस रखना इसके विकास को वही इसी के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़ोर दिया है तो जब हम स्कूल की व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था में और यूनिवर्सिटी की शिक्षा की व्यवस्था में ये चित्त विकास की प्रक्रिया सम्मिलित करें तब जाकर के वहाँ एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ये ला सकते हैं इसको लेकर के जैसे प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी ने सी लर्निंग के बारे में ये, ये बात की थी तो पिछले कौन सा फिफ्थ अप्रैल था ना? फिफ्थ अप्रैल में दिल्ली में इसका लॉन्चिंग हुआ था सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग वो अब पूरे विश्व में ये बुद्धिज़्म के विचार पर आधारित नहीं है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए ये एक सेकुलर एथिक्स पर आधारित है ये सेकुलर एथिक्स जैसे मैंने कहा कि, कि किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है लेकिन सभी धर्म में निहित जो वैल्यूज़ हैं उस पर आधारित हैं जो एक के किसी स्पिरिचुअल सिस्टम को बेस नहीं करते हैं और फिर साइंटिफिक इवेल्यूएशन और एनालिसिस के द्वारा भी ये एक वो इस्टेब्लिश्ड तथ्य हैं तो आजकल वैज्ञानिक तथा फिर एजुकेशनिस्ट ग्लोबल एजुकेशनिस्ट लोगों के लिए ये बहुत ही एक स्वीकार्य तथ्य बन चुके हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में तो सी लर्निंग के माध्यम से पूरे विश्व में यूरोप में अमेरिका में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में अब इंडिया में भी कई जगह शुरू करने जा, जा रहे हैं और फिर पूरे ग्लोबल लेवल पर ये शुरू करने जा रहे हैं और फिर स्कूल से लेकर के धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ में इसका लक्ष्य यही है कि हम अपने चित्त की व्यवस्था को संतुलित करना सीख जाएं और सभी लोग सुख की अपेक्षा करते हैं सुख की कामना करते हैं शांति की कामना कामना करते हैं लेकिन हम अपने चित्त को किस तरह से सुखी बन सकें सुखी बना लें उसकी प्रक्रिया से लोग अनभिज्ञ रहते हैं तो वो हम कैसे करें एक साधारण जीवन जीते हुए इसके लिए किसी गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भिक्षु भिक्षुणी बनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्कूल के एजुकेशन जनरल एक स्कूल एजुकेशन के माध्यम से हम कहाँ तक अपने चित्त को संतुलित और चित्त को एक आ, ये आ, आ, पीसफुल ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए दैनिक जीवन में अपनी सोच किस तरह से रखना चाहिए इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के फिर सी लर्निंग में बताया गया है मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आप का, काफ़ी स्कूल्स में भी ये प्रचलन होने लगेगा और तब जा कर के फिर यूनिवर्सिटी लेवल में भी पश्चिम जगत में तो यूनिवर्सिटीज़ में कई सालों से चल रहा है हमारे यहाँ भारतवर्ष में अभी विलंब से होने जा रहा है इसलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए आएगा और फिर जैसे प्रोफेसर सिंह साहब ने कहा कि यहाँ भी हमारे ये सर्वांगीण शिक्षा और फिर नैतिकतापूर्ण शिक्षा आदि पर कभी आयोजन हो मैंने परमपावन दलै लामा जी से एक वर्ष पहले निवेदन किया कि यहाँ प्रवचन के साथ साथ है एक शैक्षणिक हमारे श, ये शिक्षक तथा फिर छात्रों के समुदाय बनारस के छात्रों के समुदाय को संबोधित करने के लिए निवेदन किया था उन्होंने स्वीकार भी किए लेकिन फिर स्वास्थ्य की वजह से और बहुत गया में कार्यक्रम हो होते होते फिर यहाँ होना दो जगह फिर प्रवचन होना फिर वो एक आ, दुष्कर होता है इसलिए पिछले साल भी नहीं हुआ पे आगे भी मैं प्रयास करते रहूँगा बनारस में मैं समझता हूँ कि एक बार तिग्नाहान जी आए थे तब हम लोगों ने किया था पूरे स्कूल से यूनिवर्सिटी से बुला करके हम ये एक विचार रखते हैं कि जब तक स्कूल और शिक्षा संस्थानों में इस तरह का एक मौलिक विचार नहीं प्रवेश करते हैं तब तक समाज में परिवर्तन लाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि समाज में वही छात्र समाज में, आ, ए, में जाते हैं बाद में यहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद इसलिए अगर परिवर्तन होना है तो स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी के लेवल में परिवर्तन होना चाहिए तब जा कर के हम समाज में परिवर्तन अपेक्षा की जा सकती है इन्हीं शब्दों के साथ के इस महत्वपूर्ण दिवस और इस आयोजन पर आने के लिए सबको धन्यवाद और अभी धन्यवाद दी जाएगी तो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पावन तले लामा जी का हमारे जगत के हित के लिए दीर्घ और फिर स्वस्थ रहें और फिर आ, इनकी जितनी भी अभिलाषाएं हों जगत शांति और सुख प्राप्ति के लिए ये इन सारी कामनाओं को कामनाओं की पूर्ति हों यही मैं प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद बहुत, बहुत 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 धन्यवाद अरणी कुलपति महोदय जी आपने परम पावन दलाल जी के हॉलिस्टिक शिक्षा के जो विचार हैं उनका एक विहंगम दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं और अंततोग जिस प्रकार परम पावन जी के विचारों को आपने रखा कि मनुष्य का चित्त चित्त का विकास ही मुख्य है और उस चित्त का हमें जब हम विकास करेंगे तभी हम मानवीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं परम पावन जी जहाँ भी प्रवचन देते हैं वहाँ बोधिसत्व का की दीक्षा देते हैं और बौद्धि की दीक्षा देने का मतलब है बौद्धि का उत्पाद और बौद्धि का उत्पाद जैसे विमलेंद्र जी ने कहा प्रोफेसर विमलेंद्र जी ने आपके सामने शांति देव के बौद्धचर्या अवतार की का, का की का विवरण दिया तो परम पावन जी कहते हैं कि अगर बौद्धि का आप उत्पाद करते हैं और अगर हम उसको पूर्णतः अपने जीवन में नहीं भी उतार सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि हम दूसरों की अगर भलाई नहीं कर सकते हैं तो उसकी हानि भी ना की ना करें कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं तो परम पावन जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का जो चित्त है हमारा जो चित्त है वो जल की भांति है जब जल अशांत हो जाता है मैला हो जाता है तो उसमें कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो जाता है असंभव हो जाता है लेकिन जब चित्त शांत तो होता है निर्मल होता है जल निर्मल होता है शांत तो होता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई लग, देने लगता है उसी प्रकार जब चित्त स्वच्छ हो जाता है निर्मल हो जाता है तो हमें वस्तुओं की यथास्थिति दिखने लग जाती है और तत्वों का ज्ञान होने लगता है तो मैं ये हमारा अंतिम अध्यक्षी संबोधन था इसके बाद इसके समारोह के अंतिम जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो शेष रह गया है वो महत्वपूर्ण कार्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं संस्थान के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे आ, कुल सचिव डॉक्टर उपाध्याय जी हैं धन्यवाद प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी आपने मुझे धन्यवाद औपचारिक ज्ञापन करने के लिए बुलाया आज पवन पवन चौदहवें दलाई लामा जी का चौरासीवा बर्थडे है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन स्वस्थ हों और जो उनकी परिकल्पनाएं हैं उनके जो विचार हैं पूरे विश्व शांति के लिए हम सभी उससे अनुप्राणित हों और उनके चिंतन से हम सभी लाभान्वित हों और देश और विदेशों में भी शांति का जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर सब लोग चलें यही हम लोग उनके प्रति उनके जन्मदिन के अवसर पे हमारी शुभकामना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आ, आज मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि मोर देन फोर आवर्स से आप लोग लगातार बैठे हुए हैं और आपकी इस आ, जो धैर्यपूर्ण बैठक है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्रद्धेय पद्मश्री प्रोफेसर नवांग श्याम तेंजी केंद्रीय तिब्बती उच्च संस्थान के कुलपति मंच पे जो लोग बैठे थे अब चले गए हैं लेकिन उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ प्रोफेसर के पी पांडे साहब आप जानते हैं वो शिक्षा जगत के पूरा जीवन उन्होंने शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया है और भूतपूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर टी एन सिंह जी वर्तमान कुलपति काशी विद्यापीठ जो इस समय चले गए हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी इस सभागार में बैठे हुए हमारे आचार्यवृंद अधिकारीगण कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं आप सभी जानते हैं परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस के इस पवित्र अवसर पर जो आज कार्यक्रम सर्वांगीणी शिक्षा पर आयोजित संगोष्ठी जो आपके समक्ष संपन्न हुआ है और मैं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूँ वैचारिक व मनुष्य परस्पर अविश्वास एवं प्रभुत्व की स्पर्धा भरे आज के वातावरण में उम्मीद की किरण पूरे विश्व में परम पावन दया लामा जी में अंतर्निहित कारुणिक एवं पूर्णतया तार्किक व्यक्तित्व ही दिखाई पड़ती है एक नई दृष्टि एवं वैचारिक धरातल के साथ उसमें विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है पर्यावरणीय संतुल संतुलन विश्व शांति सांस्कृतिक समन्वय एवं अहिंसा के प्रति उनके निरंतर प्रयास ने विश्व समाज का समाज को उसका संज्ञान लेने एवं तदनुसार कदम उठाने हित तो मजबूर किया है अनेक कार्यों से यह समझ पुनः स्थापित हुई है कि मानवता का विकास प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से नहीं बल्कि चित्त में मानवीय मूल्यों की स्थापना से होगा शक्ति दूसरों को हराकर अपना गुलाम बनाने में नहीं बल्कि उस ऊर्जा में है जो मानवता की सेवा में खर्च की जाए हमें शक्ति का एका एकत्रीकरण सत्य की रक्षा हेतु तो अहिंसा करने में करना होगा परम पावन जी ने हमेशा नई पीढ़ी की समग्र शिक्षा पर जोर दिया है समग्र शिक्षा उस दर्शन पर आधारित है जिसमें हर व्यक्ति की पहचान सार्थकता एवं जीवन का उद्देश्य उसके समाज प्राकृतिक संसार एवं मानवीय मूल्यों जैसे कि करुणा एवं शांति के साथ जुड़ा हुआ होता है सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के माननीय कुलपति जी के प्रति साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और यहाँ सफल होते हुए आप सभी ने उसको देखा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी जो अपने बस व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी यहाँ हम लोगों के आग्रह पर आए और उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया उनको भी उनके अनुपस्थिति में साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति जो हम लोग साथ पढ़े हैं और बड़े साथ साथ हम लोगों ने रिसर्च किया विषय उनका अलग था माननी माइनिंग इंजीनियरिंग आईटी में थे मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र में था हम लोगों के बड़े मित्र और अनन्या वो हमारे विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति जी के कहने पर तत्काल आए मीटिंग छोड़ करके आए थे इस चीज़ को अटेंड करने के लिए पुनः दो बजे से उनकी मीटिंग थी उन्होंने कहा कि मैं अब ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहूँगा क्योंकि वहाँ लोग इंतज़ार करेंगे ऐसी स्थिति में वो पुनः चले गए मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के पी पांडे जी जो यहाँ आपके समक्ष सीधे वो वाराणसी एयरपोर्ट से उतरने के बाद यहाँ पहुँचे थे हमारे माननीय कुलपत जी के एक केवल फ़ोन करने पे वो आ गए थे अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी उन्होंने अपना समय दिया और अपने सारगर्भित विचारों से और जो हमारी समग्र शिक्षा पर उन्होंने इतना सुंदर प्रकाश डाला जो कि नए जो शिक्षा नीति निर्धारक लोग हैं शायद उनके इन जो खास करके यूनिवर्सल युण, इथिक्स है या आध्यात्मिक जो कोशेंट है जिसको स्पिरिचुअल कोशेंट कहते हैं यदि उसको शामिल किया जाए तो बहुत सब समस्याएं जो विश्व में आज हम देख रहे हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी और एक समरता समरसता और एक अच्छा संसार का निर्माण होगा जो मानवीय मूल्यों के आधार पर होगा मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ महाबोधि और महा हमारे यहाँ भिक्षु संघ के लोग भी आए थे यहाँ पे सुमेध थेरोजी भी और सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विमलिंद जी भी आए थे और वो पाली और बौद्ध धर दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से हम सबों के सामने प्रस्तुत किया मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ी जो इस सभागार में बैठे हुए अध्यापक वृंद कर्मचारीगण और हमारे प्रिय छात्र छात्र जो चार घंटे से अधिक इस कार्यक्रम में बैठे हैं इसको सफल बनाने के लिए जब तक आपकी उपस्थिति नहीं होती ये कार्यक्रम सफल नहीं होता मैं सबको साधुवाद धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ साथ ही उन कर्मचारियों का भी जो इस कार्यक्रम आयोजन समिति के सारे मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका सहयोग रहा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद